जयश्री शर्मा डर फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन ऑन मॉक टेस्ट पेपर सीरीज टू एज कंडक्टेड बाई द आईसीआई फॉर योर अपकमिंग नवम्बर ट्वेंटी फोर एग्जाम्स अभी रिसेंटली फोर्थ अक्टूबर को अपलोडेड इस पेपर में जो भी केस स्टडीज एमसीक्यूज वगैरह हैं एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम इस सेशन में आज थोरोली एंड कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने वाले हैं एंड मेरी कोशिश होगी कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल आस्पेक्ट है वो भी मैं क्विकली ही सही आपको रिफ्रेश करा दूँ तो फ्रेंड्स आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम जो फर्स्ट केस सिनेरियो है उससे ये केस सिनेरियो आपकी असेसमेंट एंड पेनल्टीज चैप्टर को लेकर जो नॉलेज है वो टेस्ट करेगा देखिए क्या इस केस सिनेरियो में ने प्रोवाइड कर रखा है स्विफ्ट टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन on 43 1a was rupees 22 lakhs after disallowing claim for deduction under section 10aa on account of late furnishing of return of income thereafter on scrutiny the assessing officer made some additions under section on, under section 40 clause small sub clause 1a and section 43b and passed an assessment order under section 143.3 assessing the total income of Rs 35 lakhs. Later on, the assessing officer noticed that some information is flagged for assessment year 2324, suggesting that certain income chargeable to tax had skipped assessment. Based on the said information, notice under section 148 was issued for making reassessment under section 147 after. With the requirements stipulated under section 148a, the total income reassessed uh, under section 147 was rupees 42 lakhs. Now, consider that none of the additions or disallowances made in the assessment or reassessment as above qualifies under section 270a subsection 6. Based on the facts of the above case scenario, choose the most appropriate.

ईयर की रिटर्न फर्निश की गई है इ है किस ईयर में रिटर्न फर्निश की गई है बस वो रेलिवेंट है एक्चुअली जिस डेट पर रिटर्न फर्निश की गई है वो डेट जिस ईयर में फॉल करती है उस ईयर के क्लोज होने से नाइन मंथ्स में जो इंटीमेशन है वो सेंड हो जानी चाहिए और यहां फ्रेंड्स वो टाइम परिमिटी फर्स्टर ट्वेंटी फोर को एक्सपायर हो रही है और गिवन क्वेश्चन में जो डेट है वो इसके बाद की है इसलिए ये जो इंटीमेशन है ये टाइम बार्ड कहलाएगी ये इंटीमेशन आपने पूछा क्या किया आंसर इज नो वाई सिंस इट वॉज सेंट After the expiry of 9 months from the end of the financial year in which return was made. Okay, friends, then Agla question. For the purpose of answering this question alone, assume that in the case of Mr. Swift LLP, certain other incomes which had skipped assessment and came to assessing officers notice subsequently in the course of reassessment proceedings were also assessed or reassessed in the reassessment order made under section 46. Seven, in respect of which provisions of section 148A were not complied with.

कर सकते हैं और साथ में जो एक्सप्लेनेशन गिवन है 147 में उसमें क्लियरली ये mentioned है क्या कि जो प्रोसीडिंग्स के दौरान न्यूली इनकम डिस्कवर होंगी उनके लिए कैसे पॉसिबल है कि नोटिस के, के दिए जाने से पहले जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फोर्टी एट में किया जाता है जिसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं वो हो पाए

नहीं किया है ये एओ का एक्शन वैलिड कहलाएगा देन फ्रेंड्स अगली रिक्वायरमेंट देखिए कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी लेविड अंडर सेक्शन 270 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एट द टाइम ऑफ असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन थ्री थ्री एज्यूम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग

थर्डिंग लेक्स असेसमेंट के दौरान हुए एडिशन हैं ये थर्डिंग लेक्स अंडर रिपोर्टेड इनकम को रिप्रेजेंट करेगी अब एलएलपी मतलब फर्म थर्टी परसेंट टैक्स फोर परसेंट से तो थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट हम इसका निकाल देते हैं थर्डिंग लेक्स रुपीज माय डेयर फ्रेंड जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है इसका मैंने थर्टी आपके लिए निकाला फोर लेक्स फाइव आया इसके फिफ्टी की जो पेनल्टी है उसके लिए यह एल एल यहां लाइबेबल बनाई जा सकेगी तो टू लेक्स टू थाउजेंड

27.2% निकाला इसका 200% किया तो वो टेन लैक्स सिक्सटी जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है वो यहां पर फ्रेंड्स निकल कर आ रही है आइए देखिए जरा टेन लैक्स सिक्सटी एक मिनट फ्रेंड्स रीअसेसमेंट के टाइम पर रीअसेसमेंट uh, के टाइम पर आप देखिए यहां जो रीअसेस्ड इनकम माइनस अर्लियर असेस्ड इनकम यहां सेवन लैक्स है नॉट सेवेंटीन येस फ्रेंड सेवन लैक्स ओनली ओके तो यहां इस केस में हम कह सकते हैं

जो अप्रोच है वो क्या है का टैक्स निकालिए फिर उसके बाद में जो प्रोसेस्ड इनकम है उसके टैक्स को माइनस कर दीजिए ब्रॉडली स्पीकिंग है ना तो मतलब अलग अलग टैक्स निकालना होता है लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का ही आएगा और मैंने उसी के बेसिस पर जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो यहां पर आपके लिए क्वांटिफाई कर दिया है आइए अब जरा मैं ले चलता हूं आपको एक अच्छे एमसीक्यू में इसी केस सिनेरियो का जो पार्ट बना हुआ है इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ क्वेश्चन फोर एज्यूम रीअसमेंट ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 147 फोर्टी सेवन वॉज रिसीव ऑन ट्वेल्थ दिसंबर ट्वेंटी फाइव एंड मिसर स्विफ्ट एल एल पी डज नॉट प्रेफर अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर कैन मिसर स्विफ्ट एल एल पी मेक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी इफ येस वट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द सेड एप्लीकेशन फ्रेंड्स याद उठाइए सेक्शन टू के साथ

मन में नॉर्मली आती है लेकिन ध्यान रखें यहां इस केस में इसका कोई यूज नहीं है असस्सी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन क्यों नंबर फोर के कनेक्शन में यह क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन नंबर ऑफ इनकम का केस है वहां मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस होने की वजह से आप याद जाइए मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में टू सेवेंटी डबल इम्यूनिटी नहीं जा सकती है इम्यूनिटी ग्रांट हो ही नहीं सकती याद आगे ना फ्रेंड्स ये बात तो अगर ये अंडर रिपोर्टिंग का नॉर्मल केस हो होता तो हम कह रहे होते हाँ स्विफ्ट एल एल पी इम्यूनिटी के लिए अप्लाई कर सकती है ओके और उनके लिए हम टाइम लिमिट की इस तरह से बात कर रहे होते राइट लेकिन यहां पर वो इम्यूनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस बना हुआ है

फ्रॉम इन लिमिटेड रुपीज फाइव टर्म कैपिटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनिस्टेडर्स ऑफ रियल एस्टेट रूपीज वन लैख रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट रुपीज ट्वेंटी लैक्स बिजनेस ट्रस्ट को जो इनकम हुई है अगर आप इनका टोटल करेंगे फ्रेंड्स ये जो इनकम्स आप यहां देख रहे हैं ये 48 लाख रुपीस टोटल होकर आएगा ओके okay, तो बिजनेस ट्रस्ट की ये तो, 48 लाख की जो इनकम्स है वो हमें यहां पर दे दी गई नाउ टैंग लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड्स 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग टैंग लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू टैक्स टू पे अंडर सेक्शन 115BWA तो बड़ी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल गई हां अब ये टैंग लिमिटेड हम कह सकते हैं हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट की स्पेशल पर्पस व्हीकल है क्योंकि हमारे बिजनेस ट्रस्ट के पास में इनका कंट्रोल है ओके और टैंग लिमिटेड ने अगर 115BWA में, अगर तो लिए, तो में भी लिए भी 1023 fd जिंदाबाद ओके फ्रेंड्स दोनों में से किसी को भी नीदर बिजनेस ट्रस्ट नॉर यूनिट होल्डर किसी को भी माय फ्रेंड्स यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay? चलिए अच्छा आगे देखिए अज्यूम दैट द बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर 48 लाख रुपीज़ टू द यूनिट होल्डर्स इन प्रीवियस ईयर 2324 इन द मंथ ऑफ मार्च 24 नाउ मिस अब देखिए मिस्टर शिवम इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर होल्डिंग हंड्रेड यूनिट एंड मिस्टर सहज इज अ नॉन अडेंट यूनिट होल्डर होल्डिंग फाइव हंड्रेड हूं फ्रेंड्स इस केस में क्या कि जो ये मिस्टर शिवम जो रेसिडेंट यूनिट होल्डर है इनके पास में टू परसेंट यूनिट है तो जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसमें से टू परसेंट रेसिडेंट यूनिट होल्डर शिवम को जाएंगे

एलबीए में 10% टीडीएस कटेगा ओके नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर को ये जो इंटरेस्ट है ये 5% से 150 ए में टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू सेस और 5% से ही 194 एलबीए में उनका सब्जेक्ट टू सेस टीडीएस कटेगा दैट इज 5.2% से राइट right? यही इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है अब देखिए यहां पर ये यह स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं हम कह सकते हैं इस केस में क्या देखिए टैक्स इज डिडक्टिबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन 20000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर शिवम एंड रुपए एंड 5.2 परसेंट ऑन रूपीज वन लाख डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर सहजम, ओके इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लेकिन अब आप आगे देखिए जरा इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन

ट्रीटमेंट जैसी बात निकल कर आ जाएगी

फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड वेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स वुड बी तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो भी अनलिस्टेड कंपनीज के डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट इनकम बिजनेस ट्रस्ट कमाएंगे एमएमआर पर टैक्स देने के लिए वो लाइबेबल कहलाएंगे यूनिट होल्डर्स के लिए टेन ट्वेंटी में एग्जेपन है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन देंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट एम एम आर देन फ्रेंड्स एक और लास्ट एमसीक्यू देखिए इसके सिनेरियो का द रेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ

distributed to do shibam. ज टू परसेंट ऑफ टोटल रेंटल इनकम क्योंकि टू परसेंट यूनिट है शिवम रेसिडेंटर के पास एंड एट द रेट इन फोर्स ऑन रूपीज टू लैक्स डिस्ट्रीब्यूटल इनकम हुई है ट्वेंटी लैक्स की उसका टेन परसेंट टू लैक्स रुपीज पर इनफोर्स रेट से जो टीडीएस है वो यहां पर काटा जाएगा आई होप आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी ये जो केसियो है इसमें आपने Okay. Huh? कई जगह पर एमएमआर की बात चली है मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट की जब भी बात होगी अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ उन्होंने सेक्शन बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स से अगर आउट ऑप्ट किया है तो हम थर्टी सरचार्ज को यूज में लेकर फोर्टी जो एम निकलता है एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल हाइएस्ट टैक्स रेट हाइएस्ट स्लेब टैक्स रेट थर्टी एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल मैक्सिमम सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट और मैक्सिमम सेस दैट इज फोर परसेंट इसका इफेक्ट जो आता है फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट आता है नॉर्मली इंडिविजुअल और एच के लिए जब भी एम एमआर की बात होगी तो वहां पर हम एमएमआर uh, में नॉर्मली चेक करेंगे कि उस इंडिविजुअल एच ने क्या वन रुप्टीन बी से सिफ्ट आउट कर लिया है अगर उन्होंने सिफ्ट आउट, आउट कर लिया है तो हम 42% टू परसेंट फोर्टी को एमएमआर के तौर पर लेंगे और अगर कुछ नहीं गिवन है

पर ऑन डी ऑफ रुप ट्वेंटी एट लैक्स विद दैड बैंक दैट इज एस बी आई ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी फोर ही डिपोजिटेड रूपीज थ्री लैक्स एज फाइव ईयर्स टर्म डिपोजिट In same account at interest rate of 8.5 percent per annum, interest on savings bank credited to his SBI saving account for previous year 23 24 is rupees 8600. What would be the tax liability of Mr. Pius for the suspended year 24 25? Is Mr. Pius required to file his return of income for suspended 24 25 if tax deductible at source has been fully deducted? Assume that Mr. Pius has.

थाउजेंड ये तो आ गया आपका सैलरी एड में जो चार्जेबल था अब इसके बाद में इनकी इंटरेस्ट इनकम देखते जाइए ट्वेंटी एट लैक्स रुपीज का जो 8 परसेंट पर नंबर पर इन्होंने जो एफडी कराया हुआ है तो 28 एट का मैंने 6 परसेंट आपके लिए 8 परसेंट जो इंटरेस्ट है वो यहां पर निकाला दैट इज टू लैक्स ट्वेंटी ओके ओके इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ गया इसके बाद में उन्होंने जनवरी जनवरी को 3 ,000 ,000 और और डिपॉजिट करा दिया है और वो है वो रेट ऑफ तो इसका केवल फेबर मार्च तीन महीने का जो इंटरेस्ट है वो हम यहां पर एड कर देंगे तो यस yes, फ्रेंड्स यहां इस केस में थ्री लैक्स इंटू एट पॉइंट फाइव परसेंट इन टू थ्री डिवाइडेड बाई तो ये सिक्स थ्री सेवन फाइव आ गया इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स इनको एक सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट की इनकम है वो यहां पर और हो रही है 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 वो हमें यहां पर और और गिवन है। कितनी 8, की ये हमारी सारी इंटरेस्ट इनकम माय डियर फ्रेंड्स सिंस ये सीनियर सिटीजन है इसीलिए इनको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की ए में जो ये बैंक इंटरेस्ट की इनकम इन्हें हो रही है उनसे इनको डिडक्शन मिल जाएगी राइट तो यहां इस केस में फ्रेंड्स जो अमाउंट निकलकर आएगा बेसिकली uh, वो एट लैक्स थर्टी फोर थाउजेंड नाइन सेवेंटी फाइव यहां पर निकलकर आ रहा है एट लैक्स थर्टी फोर थाउजेंड नाइन सेवन पर जो मैं टैक्स है वो निकालता इनका, तो के का इनका अमाउंट चेक कर लेते हैं ट्वेंटी अप्लाई है, कर दिया और इसके बाद में फाइव लैक्स तक इनका केवल टेन थाउजेंड टैक्स आएगा थ्री लैक्स तक एग्जाम उसके बाद में फाइव परसेंट अगले टू लैक्स पर तो जो टैक्स आया उसको मैं वन जीरो फोर परसेंट कर देता हूं तो जो एक मिनट जस्ट मिनट प्लीज सिक्स लैक्स फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस टू लैक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस सिक्स थ्री सेवन फाइव प्लस एटी सिक्स हंड्रेड माइनस फिफ्टी थाउजेंड तो एट लैक्स थर्टी फोर थाउजेंड नाइन सेवेंटी फाइव ठीक है मैं इसको राउंड ऑफ भी कर लेता हूँ फाइव रुपीज यहाँ पर नाइन एटी आ गया इसमें से मैंने फाइव लैक्स को माइनस किया इस पर मैंने ट्वेंटी परसेंट अप्लाई किया इसमें मैं टेन थाउजेंड एड कर देता हूँ इसका वन जीरो फोर परसेंट कर देता हूँ तो फ्रेंड्स ये जो अमाउंट है यहाँ बेसिकली uh, basically... हाँ, एक सेकेंड यस यस फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात है आपको जो कंसिडरेशन में और यहां पर लेकर चलने की जरूरत है वो क्या है यस yes, यस yes. एक चीज हमें कंसिडरेशन में यहां और लेनी है वो ये कि अगर फाइव ईयर्स टर्म डिपोजिट हुआ है यस yes, फ्रेंड्स पूरा ध्यान कैलकुलेशन में चला गया एक्चुअली जो फाइव इयर्स का टर्म डिपॉजिट यहां पर कराया गया है आप याद उठाइए सेक्शन एट्टी सी के जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स डिपॉजिट्स और कंट्रीब्यूशंस हैं उनमें फाइव इयर्स और मोर के लिए अगर आप एफ डी कराते हैं तो वो स्पेशल केस भी तो वहां कवर्ड है और वहां वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का थ्रेश होल्ड है तो यस yes, इसमें से वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की जो एट्टी सी की डिडक्शन है वो यहां पर एस एससी को और मिल जानी है है. तो यस फ्रेंड्स इसका इफेक्ट आप कंसिडरेशन में बस और ले लेंगे उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपके लिए निकालता हूं टू लैक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड एक्स तो अब जो टोटल इनकम आ रही है फ्रेंड्स वो 975. ओके okay, मैं इसको राउंड ऑफ भी कर लूं तो यहां पर सिक्स लैक्स एटी फोर थाउजेंड नाइन एटी ये इनकी टोटल इनकम आ गई अब बस क्या रह गया कुछ भी नहीं अब तो फ्रेंड्स इसमें से मैं फाइव लैक्स माइनस करूंगा उसके ऊपर जो भी अमाउंट है ट्वेंटी परसेंट टैक्स निकाल दिया इसमें टेन थाउजेंड एड किया वन जीरो फोर परसेंट निकाल दिया तो फोर्टी एट थाउजेंड एट सेवेंटी सिक्स रुपीज आ रहा है इफेक्टिवली अब याद कीजिए सेक्शन टू एटी एट बी वो क्या कहता है लास्ट फिगर अगर फाइव रुपीज से ज्यादा है तो आप टैक्स वाला जो अमाउंट है हाँ उसे भी राउंड ऑफ करोगे नेक्स्ट टेन तक तो फोर्टी एट

अगर असस्सी रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनकी सेवेंटी फाइव ईयर से इससे ज़्यादा की है उनकी पेंशन की इनकम हो रही है किसी स्पेसिफाइड बैंक में उनका पेंशन अकाउंट है जिसमें वो इनकम उनकी आ रही है बस उसी बैंक में उनकी इंटरेस्ट इनकम और हो सकती है तो उनकी इनकम पर जो टैक्स लाइवलिटी बनती है बैंकों से कंप्यूट करके अगर टी के तौर पर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दे तो फिर उस सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न फर्निश करना रिक्वायर्ड नहीं होगा

रुपीज थर्टी फाइव मिलियन ओ आइडेंटिडिंगल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन दिए गए हैं और उसमें जो आर्मसेंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं वट आर द वैल्यूज और इन द डाटा सेट टू बी सिलेक्टेड बाई द एस एन ओ जब सेक्शन से तो वहीं पर हम इस रूल सी ए की बात करते हैं रेंज कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होता है जहां पर सिक्स और मोर एंट्रीज गिवन है वहां पर रेंज कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ब्रॉडली स्पीकिंग जो भी आपको वैल्यूज गिवन है आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज करके उनकी रैंकिंग करते हैं फिर थर्टी फाइव फिफ्थ परसेंट निकालते हैं और यही सारी चीजें लेनी है आइए देखिए यहां इस केस में सबसे पहले हमारा काम क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सेट को अरेंज करना, ओके तो फ्रेंड सबसे लोअर फाइव परसेंट सिक्स परसेंट एट परसेंट 8%, 8%, फिर उसके बाद ट्वेल्व फोरटीन एंड सेवनटीन राइट तो ये मैंने क्या किया ये जो भी वैल्यूज गिवन है ना इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ओके okay, इनकी मैं रैंकिंग कर देता हूं ठीक है जी और इसके बाद में अब हमें जो थर्टी फिफ्थ परसेंट है वो सबसे पहले निकालना है तो टोटल वैल्यूज जितनी भी गिवन है सिक्स इंटू थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट आप निकालेंगे टू वन पॉइंट वन आएगा और टू पॉइंट वन को आप नेक्स्ट कंप्लीट नंबर तक लेकर जाएंगे एक्चुअली वो थ्री तो डाटा सेट में थर्ड प्लेस पर जो वैल्यू वे, या परसेंटेज गिवन है वो थर्टी फिफ्थ तो परसेंट कहलाएगा राइट right. इसी तरह से आप सिक्सटी फिफ्थ तो परसेंट निकालने के लिए जो भी टोटल वैल्यूज गिवन है इन टू सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड तो डियर फ्रेंड्स यहां पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो बेसिकली थ्री पॉइंट नाइन तो जहां फ्रैक्शन में रिजल्ट आता है नेक्स्ट जो होल नंबर है उसको बेस फ्रेंड्स की की तो अगर अगर हम, तो हम डाटा सेट में उस प्लेस पर जो वैल्यू रिजल्ट होता है उसको कंसिडरेशन में लेकर चलते हैं याद आ रही फ्रेंड्स बात है तो यहां इस केस में यस यहां इस केस में हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है वो फोर है तो अब डाटा सेट में जो फोर्थ प्लेस है यस yes, ये उस पर जो रिजल्ट है वो सिक्सटी फिफ्थ परसेंटाइल के लिए यहां पर क्वालिफाई करेगा तो थर्टी फिफ्थ परसेंटाइल पर आ गया एट परसेंट सिक्सटी फिफ्थ परसेंटाइल आ गया यहां ट्वेल्व परसेंट अब मीडियम ऑफ डाटा सेट की अगर हम बात करें तो मीडियम मतलब फिफ्टी डिवाइड बाई हंड्रेड तो ये तो कंप्लीट नंबर में आ गया है ना तो हम कहते भी है कि भाई रूल के साथ जब सी ए लगा तो कुछ ना कुछ तो कराएंगे ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे तो यहां

जो थर्टी सिक्स परसेंट ऐल है वो हमारा एट परसेंट निकल आया जो सिक्सटी फिफ्थ परसेंट ऐल है वो हमारा ट्वेल्व परसेंट निकल कर आया और जो मीडियम है वो हमारा टेन परसेंट निकल कर आ गया तो बस यही इस रेंज कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स आर्म्स लेंथ रेट इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के लिए कंसिडर किए जाने वाले आइटम्स हैं ओके चलिए आइए मैं ले चलता हूं आपको अगले एम में स्मार्ट इन कॉर्पोरेशन कंट्री एक्स एडवांस यूएस डॉलर टेन मिलियंस ऑन फर्स्ट जून टू टू काइट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया In foreign currency, Kite Private Limited accepted the loan amount under an agreement approved by the CG of India. The loan carries interest at the rate 9% per annum, payable in foreign currency. For the financial year 23-24, Kite Private Limited paid interest after deducting income tax on 31st March 24. The TT buying rates on 1st January 23 is 1 US dollar equal to 69. On 31st January 24 is 1 US dollar equal to

प्रूवड हो तो उस बोरोवल पर जो इंटरेस्ट उस नॉन रेजिडेंट को होगा उस पर 5% की रेट से वन फिफ्टीन 1 क्लॉज स्मॉल ए के सब क्लॉज टू डबल ए में उनको टैक्स लगाया जाएगा इफेक्ट ऑफ सर ये मैंने कुछ नया नहीं बोला आपके सामने फ्रेंड्स ये फॉरेन टैक्स चैप्टर में हम सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं तो देखिए वही चीज आपको यहां पर यज्ञ यह गिवन है तो सेक्शन वन ए में क्लॉज स्मॉल ए का ये जो सब क्लॉज टू डबल ए है इसमें देखिए यहां पर वो काइट प्राइवेट लिमिटेड ने

यूएस डॉलर है ना फ्रेंड्स तो तो मैं 100 बोल सकता हूं सिंपली तो यहां पर जो यूएस डॉलर का जो लोन है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नाइन uh, परसेंट पर नम ओके नाइन परसेंट ये इंटरेस्ट फर्स्ट जून को लिया गया है तो हम कह सकते हैं इनटू टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये तो डॉलर में इंटरेस्ट आ गया इस साल का राइट right, फ्रेंड्स तो 100 मिलियन 10 मिलियन डॉलर्स मतलब 100 लैक्स डॉलर्स 9 परसेंट इंटरेस्ट 10 मंथ्स का इंटरेस्ट फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट मार्च तक का ठीक है अच्छा अब ये तो जैसा मैंने कहा कि डॉलर्स में आ गया अब मुझे से इंडियन रुपीज में बनाना है तो फ्रेंड्स याद उठाइए आप जो रूल वन फिफ्टीन देखते हैं उसमें जो कन्वर्जन रेट्स गिवन है उनमें अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता तो उस केस में हम इंटरेस्ट इनकम जिस मंथ में अर्न हो रही है उस मंथ से इमीडिएट मंथ का का लास्ट डे का जो टी -टी है वो यूज कर रहे होते हैं लेकिन नॉर्मल इंटरेस्ट है बैंक इंटरेस्ट है इन सब के लिए हम ईयर एंड का जो टीटी बी आर होता है उसको यूज में लेते हैं तो यहां सेवेंटी रुपीज से कंपेयर कन्वर्ट यहां मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लेंगे अब ये जो इंटरेस्ट फ्रेंड्स यहां पर आ रहा है ना ये इंडियन रुपीज में इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया अब इस आपने

वो मैं कहूँगा फाइनली वो तो फिर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी इस फॉरेन कंपनी की कहलाएगा चलिए मैं निकालता हूँ आपके लिए फ्रेंड्स तो 100 लैक्स यूएस डॉलर का 9 परसेंट से मैंने इंटरेस्ट निकाला पूरे साल का आ गया वो तो इन टू टेन डिवाइड बाई ट्वेल्व किया तो मुझे टेन मंथ्स का इंटरेस्ट पता लगा ओके फ्रेंड्स ये जो अमाउंट आया है इसको मैं एक मिनट यस yes. अब मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूं सेवेंटी फाइव का मल्टीप्लाई करके टेन मिलियंस यूएस डॉलर ठीक है नाइन परसेंट इंटरेस्ट इंटू टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये सेवन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर का मेरा इंटरेस्ट आ गया डॉलर में मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 करोड़ फाइव लैक्स यस ये मेरा इंडियन रुपीज में इंटरेस्ट आ रहा है इसका मैंने 5 परसेंट इंटरेस्ट टैक्स निकाला इसका मैंने 1.02 जीरो फाइव पॉइंट सिक्स फाइव था ओके इंटू वन जीरो फोर परसेंट फाइनली तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है

Gael LLP of UK in September 23 for export of goods to various countries as directed by Gael LLP. The amount of transaction between STP Process Limited and Gael LLP by way of sale of goods value would be sale of goods would be rupees 180 crores spread over three financial years commencing from 1st October 23. The parties that is both STP Process Limited and Gael LLP uh, Gail LLP. Yes, not Gail. Gail LLP apprehend some ambiguity as regards the income chargeable to tax in the hands of Gail LLP in India at STP Process Limited. Can STP Process Limited seek advance ruling in relation to its tax liability arising in respect of its transaction with Gail LLP? If सो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ फी टू बी पेड फॉर seeking एडवांस रूलिंग तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि एस टीपी प्रोसेस लिमिटेड इंडियन रेसिडेंट इंडियन कंपनी इंडियन रेसिडेंट है और किसी इंडियन रेसिडेंट को अगर एडवांस रोलिंग के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रोलिंग के पास जाना है तो वो जिस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में एडवांस रूलिंग चाहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू हंड्रेड करोड़ रूपीज से ज्यादा होनी चाहिए अब जिस ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में ये एडवांस रूलिंग चाहते हैं उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू वन रुपीज में हो रही है, हो रहा है। ठीक है वो तीन साल के अंदर की जाएगी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो वन एटी करोड़ रुपीज की वर्थ का यहां पर प्लांट है ओके okay, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन रेजिडेंट एडवांस रूलिंग के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में डेफिनेटली अप्लाई कर सकती है एक बात ओके? अच्छा फिर इसके बाद में बात आ रही है फीस की फ्रेंड या टेन थाउजेंड रुपीज या फीस एज मे बी हायर और बोर्ड ने जो रूल फोर्टी फोर ई इस रिलेशन में बनाया है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जहां पर ट्रांजेक्शन की वैल्यू हंड्रेड करोड़ ज्यादा नहीं है तो वहां टू लैक्स रुपीज फीस लगेगी लेकिन जहां पर ट्रांजेक्शन वैल्यू हंड्रेड करोड रुपी से तो ज्यादा है लेकिन थ्री हंड्रेड करोड रुपीज से ज्यादा नहीं है तो फाइव लैस रुपीज की फीस लगेगी और जहां पर ट्रांजेक्शन वैल्यू हंड्रेड थ्री हंड्रेड करोड़ से भी ज्यादा होगी वहां पर तो टेन लैक्स की फीस लगेगी अब हमारा जो केस है वो सेकंड स्लैब में आ रहा है इसलिए जो फीस का अमाउंट है वो यहां फाइव लैक्स रुपीज माई डियर फ्रेंड्स कहलाएगा तो हम क्या कहेंगे ये इट्स कैन सी एडवांसिंग ट्रांजेक्शन और प्रपोज टू बी बीडिक्स रूपीज हंड्रेड करोड़ द अमाउंट ऑफ फी वुड बी रुपीज फाइव लैक्स ओके तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छा मैं एक चीज यहां पर और करेक्ट आपको करना चाहूंगा देखिए कोई इंडियन रेसिडेंट अगर एडवांस रूलिंग के लिए प्लान कर रही है तो वो जिस ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में एडवांस रूलिंग के लिए प्लान कर रही हूं उस ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो मोर देन हंड्रेड करोड़ रुपीज होनी चाहिए ओके आ, तो यहां इस केस में आ, एक मिनट डियर फ्रेंड्स अगर वो जानना चाहती हैं एडवांस टूलिंग के लिए तो नहीं हम एकदम करेक्ट हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर कोई इंडियन रेजिडेंट जिस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में एडवांस टोलिंग चाहते हैं अगर उस ट्रांजेक्शन की इन एग्रीगेट वैल्यू हंड्रेड करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा की है तो वो एडवांस टूलिंग के लिए जा सकते हैं एक्चुअली इस जो नोटिफाइड रेजिडेंट हैं इस रिलेशन में वो हंड्रेड करोड़ रुपीज की ट्रांजेक्शन वैल्यू वाले जो रेजिडेंट हैं वो है तो एग्जैक्ट हंड्रेड करोड़ रुपीज़ भी अगर होगा तो चलेगा तो यहां पर बस केवल केवल इस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है एक्चुअली हंड्रेड करोड़ रुपीज भी अगर एग्जैक्ट होता तभी भी ये एलिजिबल एप्लीकेंट कहलाते एडवांस एडवांसिंग के लिए जा पाते फीस उस केस में रुपीज लग रही होती ठीक है जी हाँ और हंड्रेड करोड़ से ज्यादा है इसलिए फीस का जो अमाउंट है वो फाइव लैक्स रुपीज यहां पर पिक्चर में आ पा रहा है ओके यस तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने जो ये 15 है, ये जो ये ये एमसीक्यूज वो और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज की हेल्प से यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट की और अब बारी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट में मूव करने की तो आपको तो पता है जो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे जनरली जो पीजीबीपी वगैरह के जो पॉइंट है उनकी

उसी हिसाब से अब इस क्वेश्चन को मैं रखना आपके सामने स्टार्ट करता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसजे प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द प्रोडक्शन और एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज सेवेंटी टू लैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अब रुकी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में इंगेज है तो 115 बी 115 बीए बी का स्कोप तो वैसे ही खत्म हो गया और 115 बी डबल इन्होंने ऑप्ट किया नहीं है तो टोटल इनकम नॉर्मली कंप्यूट होनी है फिर तो चलो जी अब इनका हमें जो भी नेट प्रॉफिट दिया गया उसमें से फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट हो चुके हैं तो आइए देखिए सबसे पहले आइटम्स डेबिटेड टू तो द स्टेटमेंट क्या एस पर 24 हम एड बैक कर देंगे इनकम टैक्स उसको लेस करेंगे इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू बी सिक्सटी थाउजेंड फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड एज पर सेक्शन टू थर्टी फोर बी रिलेटिंग टू असमेंडेड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बी अब इनकम टैक्स खुद डिसअलाउड है तो उसकी कनेक्टेड कॉस्ट कैसे अलाउड हो जाएगीबल होता है ना फिर फ्रेंड्स तो डिसलाउ कर दिया इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज नाइन लैक्स फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सेवन सेवन लैक्स दो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी रेस्पेक्टिवली अब देखो क्या ब्लेंडर हुआ है इन्होंने जबरदस्ती जो पी एंड एल में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है उसमें 9, 50, रुपीस का जो अमाउंट है वो इन्होंने जो नहीं इंक्लूड होना चाहिए था क्योंकि वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता लेकिन जबरदस्ती इन्होंने उसे इंक्लूड कर रखा है ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में इन्होंने सेवन लैक्स रुपीज जबरदस्ती का इंक्लूड कर रखा है उसके बाद जीपीएनपी ये आए हैं तो हमें क्या करना है हमें इसका इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा है ना तो हमें इस नेट प्रॉफिट में ये नाइन पॉइंट फाइव लैक्स जो डेबिट हो चुका है हमारे नेट प्रॉफिट को घटा चुका है हम इसका इफेक्ट तो यहां रिवर्स करेंगे ऐड करेंगे और ये अमाउंट अमाउंट हमारे नेट प्रॉफिट में जीपीएनपी में ऐड हो चुका है तो इसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए हम इसको लेस करेंगे अब हम 9.5 लाख को ऐड करें और 7 लाख को लेस करें तो बेटर होगा कि हम सीधा 2.5 लाख रुपए को ही ऐड कर दें है ना तो सेवन जो लेस करना था सेवन का एडिशन वो तक नेट हो गया टू पॉइंट फाइव लैक्स का एडिशन जो बचा उसको हम यहां पर बस और कर देते हैं काम खत्म होगा राइट फ्रेंड्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बिलीव मी वही चीजें आपको यहां सॉल्यूशन में देखने को मिलने वाली है देखिए तो जो इन्वेंट्री वाला जो इफेक्ट है ना टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड रूपीज नेट जो अमाउंट है वो यहां पर बस हम ऐड कर दे रहे हैं वही इंस्टीट्यूट ने यहां किया हुआ है ओके फ्रेंड्स आइए मैं रखता हूं आपके सामने अगला पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूपीज फोर्टी वन थाउजेंड पेड इन कैश कंप्राइजिंग ऑफ रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड डायरेक्टली पेड टू प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स रूल सिक्स डबल डीज इंदाबाद अलाउड है

फाइव थाउजेंड टू एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट अब आप या तो तो है। याद उठाइए कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफर की इनकम तो ग्रॉस बेसिस पर हम टैक्सेबल करते हैं याद कीजिए सेक्शन वन फिफ्टीन डबल बी जी

फिफ्टी वन रुपीज फोर्टी थाउजेंड पेड बाई वे ऑफ चेक तो सेम पहले पीजीपी के लिए हम इसको एड करेंगे फिर एटी जीजीपी में डिडक्शन दे एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में एडवर्टीजमेंट के लिए जो आपने किया है दैट विल बी डीम्ड एज कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी याद है ना फ्रेंड्स तो पहले तो सेक्शन थर्टी सेवन टू बी से हमने इसको पीजीबी में डिसलाउ कर दिया फिर एटी जी में ये डीम्ड कंट्रीब्यूशन के बेस पर अलाउड हो जाएगा देन फ्रेंड्स अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऑप्टेंट अ कोऑपरेटिव बैंक नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई ओआई फोर्टी थ्री बी जिंदाबाद डिसअलाउ करना पड़ेगा कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट डेट तक पे हो जाने चाहिए थे नहीं किया आपने तो डिसअलाउड होगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉज रूपीज वन फिफ्टी थाउजेंड में सीक्वेंस थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं ये पॉइंट इन्फॉर्मेशन में एलिजिबल सैलरी एंड डियर फॉर द पेंशन स्कीम रेफर टू

सेक्शन ट्वेंटी फाइव डबल ए में ये अनरियलाइज रेंट का केस हो या एरियर ऑफ रेंट का केस हो इनका थर्टी परसेंट आप डिडक्शन ले पाते हैं सेवेंटी परसेंट का जो अमाउंट है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाता है तो वो बना देंगे डिविडेंड्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी फ्रेंड्स पहले पीजीबीपी के लिए तो इसको माइनस करेंगे और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको ले जाएंगे ओके okay, देन अगला केस प्रॉफिट ऑफ बी थ्री लैक्स रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फॉर मीटिंग आउट लॉस इन करेंसी फॉरिन टूवर्ड्स

उसके रिस्पेक्ट में किए गए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से ही आपको गेन हुआ अभी तो मशीन का पुट टू यूज नहीं हुआ उससे पहले थ्री लैक्स का फायदा हो गया तो मशीन में नेट जो ब्लॉक्ड कॉस्ट है जो फाइनल कॉस्ट है मशीन की वो नाइनटी टू लैक्स परसेंट नॉर्मल डेपरिशन मिलेगा राइट right, क्योंकि पीरियड ऑफ यूज डेज से कम है और इसका टेन परसेंट मैडियर फ्रेंड्स एडिशनल ये ले पाएंगे क्योंकि कंपनी ने कंसेशनल टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं किया है बाकी टेन परसेंट जो एडिशनल डेपरेशन बचेगा वो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया जा सकता रखेगा ओके देन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट नेट ऑफ टीडीएस एट टेन परसेंट रुपीज वन लाख थ्री थर्टी फाइव थाउजेंड ये अदर सोर्सेस की इनकम है पीजीबीपी में क्या कर रही है तो पीजीबीपी में जितना इंक्लूड कर रखा है आपने उसको बाहर निकालो और फिर हम इसको अदर सोर्सेस में ग्रॉसअप बेस पर टैक्स करेंगे वन

ओके फ्रेंड्स देन एक्सपेंडिचर इन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अलाउड ऑन ड्यू बेसिस बट पेड़ इन फाइनेंशियल ईयर इन कैश ऑन 18 जनवरी 24 याद कीजिए ए फोर ए सेक्शन फोर डी कैपिटल ए सबसे में यह वायलेशन वाली ईयर की डीम्ड इनकम है है ना तो थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज इनकी पीजीबीपी एड में चार्जेबल इनकम बनेगी देन ऑडिट फी ऑफ़ फॉर द प्रीवियस टू ट्वेंटी थ्री सेवेंटी फाइव थाउजेंड टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड इन द रेलिवेंट प्रीवियस वॉज पेड ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी थ्री पक्की बात है कि थर्टी परसेंट ट्वेंटी

इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट अमाउंटिंग टू रूबीज फोर लैक्स इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो फ्रेंड्स आप देखो कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफर की ये जो इनकम हो रही है ना ये इनकम आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हो आप इसको पीजीबीपी में भी बता सकते हो अगर ये बिजनेस एक्टिविटी के तौर पर है तो आप पीजीपी पी में ले जाओ अगर आपकी एडिशनल इनकम है तो अदर में ले जाओ अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डाइवर्सिफाइड टर्म यूज की गई थी कि कंपनी प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में इंगेज है तो डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ बिजनेस इनका है तो हम इस अमाउंट को बिजनेस इनकम की तरफ भी अगर कंसिडर कर ले और नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो इसको इंक्लूडेड ही बने रहने दें इसका कोई एडजस्टमेंट ना करें तो ये एकदम सही कहलाएगा तो इसका नो ट्रीटमेंट हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है खर्चे जो डिसउट होने थे वो हम पहले कर चुके हैं राइट फ्रेंड्स right बस आपको रीजन बताने थे हर एक आइटम के मैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जो भी हमने हर एक आइटम के लिए रिजल्ट no निकालेंगे okay, मैं चलता हूं अब आपको अगले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स जी लिमिटेड अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होना मेरी तो बस आपको यही एडवाइस है कि आप एक बार चेक कर लो

थर्टी फर्ट मार्च ट्वेंटी फोर इट अर्न प्रोफिट ट्वेंटी लैक्स आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑफ द आइटम्स अब क्या क्या आइटम्स इन्होंने डेबिट और क्रेडिट कर रखे उसमें सबसे पहले डेबिटेड आइटम्स देखिए उसका ट्वेंटी लैक्स नेट प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा

या इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड के अलावा इनकम टैक्स एक्ट का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड तो में अगर कुछ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता नो ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं करना में इनकम टैक्स रूल्स का कुछ नहीं करना में कंपनीज एक्ट वाला ही डेप्रेशन अलाउड होता है अदर देन रिवेल्यूशन वो कर चुके हैं देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ रूबीज इलेवन लैक्स इंक्लूड अन एब्जॉर्ब डेप्रेशन ऑफ रूबीज फाइव लैक्स तो पहले तो हम यहां पर ये मानकर चलते हैं कि ये जो भी फिगर हमें दी गई है वो एज पर बुक्स की बने तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अदर देन डेप्रेशन कितना बचा माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल सिक्स लैक्स है ना इलेवन लैक्स में से डेप्रेशन वाला कॉम्पोनेंट हटा दिया तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अन एब्जॉर्ब डेप्रेशन हमने हटाया सिक्स लैक्स बचा फिर अनएबजोर्ड को कंपेयर करेंगे एवर इज लोअर जो भी दोनों तो में कम होगा उसी का केबल और केबल रिडक्शन देंगे यही करते हो ना बुक प्रॉफिट के मीनिंग में जे भी में तो डियर फ्रेंड्स लोअर है उसको हम लेस कर देंगे इससे हमें पता लगेगा बुक प्रॉफिट फिर इसके बाद फिफ्टीन परसेंट हम मेट लगाएंगे फोर परसेंट सेस लगा देंगे ये इस कंपनी की जो मेट लाइबिलिटी है वो फाइनली निकल कर आ जाएगी यही सारी चीजें आपको एज इट इज डियर फ्रेंड्स यहां पर सोल्यूशन में देखने को मिलने वाली हैं कुछ भी

ये जो क्वेश्चन है ना जुलाई 21 में एग्जाम में डबल टेक्सिंग रिलीफ का जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको यहां पर यह दिया गया है। थोड़ा का डाला था और वो मैं आपको और उस पर मैं भी करी दूंगा। आएर, रखता हूं क्वेश्चन आपके सामने टोटल इनकम एंड नेट इंडिविजुअल लाइबिलित्रेसिडेंट इन इंडिया एजड ट्वेंटी फाइव फॉर द स्पेंड इ्वेंटी फोर ट्वेंटी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन फर्निस्ड बाई हिम फॉर ईयर एंडेड थर्टी मार्च ट्वेंटी

आपका टारगेट क्या है आपको uh, इंडिविजुअल की टोटल इनकम एंड टैक्स लाइब्रेटी निकालनी है और 115 फिफ्टीन बी एस सी से उन्होंने सिफ्ट आउट आउट कर लिया ये आपको कहा गया है चलिए अब मेनली इंफॉर्मेशन देखिए मिस्टर नितिन अर्नड रॉयल्टी इनकम ऑफ रुपीज एटीन लैक्स फ्रॉम पीटी कॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री एक्स फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स एंड न्यूज पेपर्स फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर हाउर ही रिसीव्ड ओनली रूपीज थर्टीन लैक्सिक्सेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड द बैलेंस इज आउट standing as on 31st march 24 he maintains cash system of accounting for royalty income पक्की बात है फ्रेंड्स क्या कि अब जितनी रॉयल्टी इनकम उन्होंने अर्न की इसका कोई रेलिवेंस नहीं है जितनी रॉयल्टी इनकम उन्होंने रिसीव किया केवल वही उनकी चार्जेबल बनेगी तो जो फॉरेन इनकम है पीटी इन से जो रॉयल्टी इनकम हुई है वो थर्टीन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर उनकी टैक्स के लिए यहां चार्जेबल फ्रेंड्स के है लाएगी ओके आप इसे पीजीबीपी में भी दिखा सकते हैं अगर आपको नितिन की इसे एक बिजनेस एक्टिविटी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन अगर आप ट्रीट करते हैं और आप इसे अदर सोर्सेज में भी ले जा सकते हैं ये आपकी कॉल है लेकिन ये पक्का हो गया कि 13 की रॉयल्टी इनकम बनेगी। इश्यून बी एस शिफ्ट आउट से की, जो 3 है, वो ले सकते हैं क्या ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जुलाई ट्वेंटी में यही गलती की थी उन्होंने देखा रॉयल्टी इनकमसी रेसिडेंट है तो उन्होंने थ्री लैक्स की एट्टी क्यूक्यू बी में डिडक्ट

सेंट है हम क्या कहेंगे सबसे पहले तो हमें नितिन की टोटल इनकम अगर निकालनी है तो थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का जो इनका रेंटल इनकम है इसमें से हम तो इन्हें ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज की जो हाँ, एम टी की डिडक्शन है वो देंगे इम, कंट्री एक्स में मिलती है नहीं मिलती है भाड़ में गया उनका लॉ में कोई मतलब नहीं और इसके बाद 30 की रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन भी देंगे और फिर जो रिजल्ट यहां पर आएगा ये नितिन के लिए हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाएंगे टू लैक्स फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यही दोनों डबल टैक्स इनकम एक्चुअली ट्रीट की जाएंगी जिन पर डबल टैक्स रिलीफ मिल पाएगी बाहर का टैक्स रेट फिफ्टीन परसेंट पता लग गया इंडिया का

वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन का रीपेमेंट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करता लेकिन जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन वो विदाउट एनी सीलिंग डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है तो एटीई न इतना मिल पाएगा अब फ्रेंड्स इन्हें इंडियन कंपनी से एक फाइव लैक्स फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की डिविडेंड इनकम ये इनके अदर सोर्सेज में और टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगी अब देखो यहां लिखा है अर्ड अगर लिखा होता रिसीव जैसा जुलाई 21 के क्वेश्चन में लिखा था ही रिसीव्ड। तो वहां में ग्रोसअप करना पड़ा ओके यहां लिख दिया सिंपली अर्न तो यहां ग्रॉसिंग अप की एडिक्ट नहीं है

सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं ठीक है और डियर फ्रेंड्स डिविडेंड इनकम एटी ई दे दिया एटी क्यू भी नहीं मिला राइट right, ये टोटल इनकम आई इनकी टेन लैक्स तक वन ट्वेल्व फाइव हंड्रेड उसके ऊपर इनकम उस पर टैक्स अब टोटल इनकम इंडिया में इतनी पर इतना टैक्स अगर आ रहा है तो इंडिया का एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो ज्यादा हो गया बाहर का कम है तो जो इनकी डबल टैक्स इनकम है उस डबल टैक्स इनकम पर हमने जो लोअर रेट है उससे अमाउंट निकाला तो इतनी की रिलीफ यहां पर दे दी ये जो भी रिजल्ट बचा इनकी टैक्स कहलाएगी लास्ट लाइब्रेटी कूपीज से कम है इसलिए इग्नोर किया ये नितिन कहो

एंड इट्स अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन हेयर अंडर कैपिटल फंड और सेंड्रिक क्रेडिटर ये लाइब्रेरी साइड में दे दिए गए ओके मेनली अब असेट साइड देखिए जरा असेट मै फ्रेंड्स लैंड परचेस्ड इन दर टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड लैक्स एंड लैंड इन बिल्डिंग परचेस किया 2015 में 800 हंड्रेड लैक्स टू थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच इन मिसर्स एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स आर लिस्टेड इन बी एस एट फेस वैल्यू ट्वेंटी लैक्स बैलेंस इन करेंट अकाउंट बैलेंस इन एफ डी कैश इन एंड ये तीन आइटम दे दिए और टीडीएस दे दिया सेट साइड में ओके नाउ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज मेड ऑन फिफ्टीन अप्रैल टू थाउजेंड एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी ऑफ द आई टी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी ग्रांटेड ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेल्व टू में सर एस एन चैरिटेबल ट्रस्ट रुकी जरा एक बात तो पक्की हो गई कि अगर इन्होंने 2012 में अगर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड किया है तो जो 2009 में इन्होंने जो लैंड परचेस किया है ये तो 115 फिफ्टीन टी के दायरे में नहीं आएगी ये तो एक्टिड इनकम का पार्ट नहीं बनाई जाएगी क्यों क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन इन्फोर्स होने से पहले का एक्विजिशन रहा है याद ना क्रिडेड इनकम की डेफिनेशन में जो एक्सक्लूजन गिवन है उन एक्सक्लूजन उन एक्सक्लूडेड असेट्स में ये वाला केस कवर्ड है तो ये तो पक्का हो गया कि यहां कंसिडर नहीं हो पाएगा हाई

12 surcharge और फोर परसेंट जो रिजल्ट आपका निकल कर आएगा I think हाँ, वो यहाँ पर 115 के लिए वही MMR है, बस वो आप यूज में लेंगे लेकिन के लिए पहले देखते जाइए जरा. Additional inform, हमें वगैरह की value क्या लेनी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन कुछ ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड इन टू थाउजेंड नाइन अरे ये, ओपन मार्केट दोपर्ट फैस रोपीज टू फिफ्टी एज द रजिस्टर्ड वैल्यूर सर्टिफिकेट इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि टू थाउजेंड नाइन में वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था उसने एक्समशन ही नहीं ली थी तो फिर उस टाइम का जो भी किया गया एम एम आर से कैसे एग्जिट टैक्स लगा सकते हैं मतलब ही नहीं होता हाँ, लेकिन ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग इन इन सोल्ड ओपन मार्केट विल क्लियर कर दूं कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है वो डेट स्पेसिफाइड कहलाती है राइट right, ना फ्रेंड्स तो यहां आप देखिए इनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है आ, वो 31 जनवरी 2024 को इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है ये डेट स्पेसिफाइड डेट कहलाएगी इस डेट पर जो भी असेट्स की वैल्यूज वगैरह हैं वो कंसिडरेशन में ली जाएंगी और माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए प्रॉपर्टी के लिए आप क्या लोगे जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया yes, तो uh, लेकिन स्पेसिफाइड डेट पर उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है इसलिए वन जिरो जिरो हम 2015 वाली इस लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एज वैल्यू कंसिडर कर लेंगे द हाइएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू एज पर शेयर ऑफ मेसर्स एक्सपी प्राइवेट लिम, एक्सपी लिमिटेड ट्रेडर ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाज रुपीज वन जीरो नाइन नाइन एंड वन जीरो फाइव वन रेस्पेक्टिवली फ्रेंड्स याद उठाइए जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं यार एसी में ट्रेड हो रहे हैं है ना जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उसके लिए रूल सेवनटीन सी बी हाँ रूल सेवनटीन सी बी में ही तो गिवन ना फ्रेंड्स आपको मोड ऑफ वैल्यूएशन एक्ड इनकम के लिए कौन सी लेनी है किस वैल्यूज पर लेनी है है ना तो फ्रेंड्स वहां पर जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनके लिए आप क्या करेंगे आ, जो भी स्पेसिफाइड डेट पर जो हाइएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस का जो एवरेज होगा वो कंसिड्रेशन में लेकर चलेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो भी गिवन है हाँ, इनको एड करके डिवाइडेड बाई टू जो रिजल्ट आएगा उस पर टू थाउजेंड नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करके जो फिगर बनेगी वो यहां पर वैल्यू की तरह कंसिडर की जाएगी सन्ड्रिक्रेडिड इंक्लूड रुपीज थर्टी लैक्स एस्टिमेटेड बेसिस टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर विच नो बिल्स आर रिसीव्ड अब ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स काम हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं ठीक है कोई बिल आया नहीं हवा में एस्टिमेटेड बेसिस पर जो थर्टी लैक्स रुपीज का अमाउंट है उसकी प्रोविजनिंग कर दी गई है तो फ्रेंड्स या तो रूल सेवनटीन सीबी में आप कंटिजेंट लाइबिलिटी कंसिडर नहीं करते तो जो थ्री थर्टी फाइव लैक्स है इसमें से थर्टी लैक्स माइनस करके केवल थ्री जीरो फाइव लैक्स ही एक्डिट इनकम के लिए तौर तो लिए

ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2009 वाली लैंड के लिए कुछ भी नहीं 2015 वाली के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी वही एक जो कोटेड शेयर है उनके लिए एवरेज को 2000 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया करेंट अकाउंट एफ डी कैश एज इट इज आ जाएंगे टी बिल्कुल नहीं आएगा लाइबिलिटीज माई डियर फ्रेंड्स टोटल लाइबिलिटीज में से हमने जो आउटसाइडर वाली जो कैपिटल फंड है वो हमें बाहर करना है और कंटीजेंट लाइबिलिटी को हमें बाहर करना है फिर जो बचा थ्री जीरो फाइव लैक्स लाइबिलिटी वो हम यहां पर माइनस करेंगे असेट्स में से तो एक्ट इनकम तक पहुंचेंगे और उस पर ये से हमें एग्जिट टैक्स पता लग जाएगा फोर्टीन अप्रैल वो लेटेस्ट डेट होगी जब तक इन्हें जमा कराना पड़ेगा ओके यही सारी बात डिस्कस करके आए ना फ्रेंड्स आइए अब ले चलता हूं आपको थोड़ा सा और आगे यस yes, फ्रेंड्स आपको इंस्टीट्यूट ने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से रिलेटेड जो टाइम टू तो टाइम जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उनमें दो बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको ये दिया गया है फ्रेंड्स यस yes, दो बार आपको एग्जाम में जो ये क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से रिलेटेड में वो अब आपके सामने रखना स्टार्ट करूंगा आइए जरा फ्रेंड्स

Of 60 करोर्स बाय वे ऑफ लोन्स एज ऑन 1st अप्रैल 23 फिक्स्ड लिमिटेड ऑफ कनाडा इंपोर्टेड 4 लाख बेडशीट्स फ्रॉम एसटीपी लिमिटेड फॉर द रीसेल इन कनाडा एट 2200 पर यूनिट एसटीपी लिमिटेड सोल्ड सिमिलर बेडशीट्स टू अदर डीलर्स इन कनाडा एट द 2300 पर यूनिट देख रहे हैं फ्रेंड्स ये इंडियन कंपनी औरों को तो 2300 में बेडशीट्स बेच रही है और उन्होंने फिक्स को 2200 में दे दी अच्छा एसटीपी लिमिटेड रिसीव्ड बैंक गारंटी ऑन 1st अप्रैल 23 फॉर अ

एक्चुअली इससे ज्यादा की नाइन करोड की जो गारंटी है वो इस फॉरेन कंपनी फिक्स लिमिटेड ने एस टी पी के ब्याप पर दे दी है तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो एस टी पी और फिक्स है ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए ठीक है? एस पर सेक्शन 92 ए सिंस इस फॉरेन कंसर्न फिक्स लिमिटेड ने एसटीपी लिमिटेड एटलीस्ट टीपी परसेंट की की गारंटी दे दी है। बल्कि उससे ज्यादा की गारंटी दे दी फिक्स आपस में कहलाएंगे पहली रिक्वायरमेंट तो फ्रेंड्स यहां यही है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर एसटीपी लिमिटेड है टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अदर डीलर्स वॉज टू मेक पेमेंट विद इन वन मंथ फ्रॉम द

करनी पड़ेगी तो हम एस टीपी लिमिटेड को क्या कहेंगे जब आप दूसरों को 2300 में अगर बेच रहे हैं तो आपको फिक्स लिमिटेड से भी ट्वेंटी थ्री हंड्रेड लेना चाहिए था दूसरों को तो आप वन मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं और फिक्स को आप थ्री मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं तो जो टू मंथ का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है जो टू मंथ्स का जो फाइनेंस चार्ज बनता है

उन्होंने मेरे डियर फ्रेंड्स कितना चार्ज किया केवल 2200 है ना तो यहां इन माइनस ट्वेंटी टू हंड्रेड वन फोर्टी सिक्स इन टू यहां फोर लैक्स तो इन टू लैक्स ये हम कहेंगे ये प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट है ये सेल्स अंडरस्टेटेड है इतने से यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो अंडरस्टेटेड हमें यहां पर अपियर हो रही है तो वन फोर्टी सिक्स राइट फाइव पॉइंट करोड फाइव पॉइंट करोड का जो अमाउंट है वो यहां पर डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए क्वालिफाई करेगा ठीक तो है फ्रेंड्स आइए तो देखो दो अप्रोचेस इस पी को इन टू फोर लैक्स करो टोटल आर्म्स लेंथ प्राइस टोटल बेडशीट के लिए बनती है फिर 2200 टू हंड्रेड को फोर लैक्स मल्टीप्लाई करके जो फिगर आए उसको माइनस कर दो फिर जो रिजल्ट आएगा वो यही कहलाएगा जो ऑन अकाउंट ऑफ ए एडिशन के लिए क्वालिफाइंग समय फ्रेंड्स यहां पर ट्रीट किया जाएगा ओके देखिए आपसे जो अगली रिक्वायरमेंट है वो यही है

ओके okay, तो अब इस केस में आ, हम यही कहेंगे कि जो रिटर्न की फर्निस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने वाले असासी के लिए रिटर्न फर्निशिंग की ड्यू डेट आपको पता है थर्टी नवंबर ट्वेंटी फोर ओके अब इनकी ड्यूटी क्या है कि नाइनटी डेज में जो एक्सेस um, मनी है वो एडिशन वाला अमाउंट 5.28 करोड़ वाला अमाउंट आप उसे इंडिया में रिपेट्रिएट कर लें। आएगी। जिस तक उन्हें वो एक्सेस मनी करोड़ का करना पड़ेगा, ठीक टाइम with, तो माइ डियर फ्रेंड्स फिर क्या हम कहेंगे कि अगर आपने नहीं इस टाइम लिमिट में रिपेट्रिएशन किया तो ड्यू डेट तो फिर पहली बात तो एक्सेस मनी आपका डिम्ड एडवांस टू योर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस कहलाएगा उस पर इंटरेस्ट इनकम

पॉइंट थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट हम और ऐड करके जो रिजल्टेंट रेट आएगी उससे इंटरेस्ट को कंप्यूट करेंगे और एक ऑल्टरनेट भी है क्या कि अगर आप 18 परसेंट टैक्स 12 परसेंट सरचार्ज और 4 परसेंट सेस जो रिजल्ट आता है अगर एक्सेस मनी पर इतना अगर आप इं, एडिशनल इनकम टैक्स के तौर पर जमा करा दें 20.9664 परसेंट अगर आप इतना एक्सेस मनी पर एडिशनल इनकम टैक्स के तौर पर जमा करा दें तो आपको फिर सेकंड एडजस्टमेंट नहीं होगा जिस दिन आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देंगे उस दिन से आपकी इंटरेस्ट इनकम की कंपिटिशन टैक्स परपज के लिए नहीं की जाएगी लेकिन यह आपका फाइनल द पेमेंट फॉर टैक्स का कहलाएगा इसका कोई क्रेडिट वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा अब आप रीडिंग लगाना ये ऑप्शन में आपको बातें यहां पर गिवन है क्या बे एडिशनल टैक्स भी पिक कर सकते हैं ओके देन फ्रेंड्स आइए मैं अब आपको ले चलूं थोड़ा सा और आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले रखना स्टार्ट करता हूं एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस पहला काइट एंड कंपनी एलएलपी विड्रू फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट्स ₹68 लाख कैश फॉर बाइंग प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर एग्रीकल्चरियल रिक्वाड फॉर मैनुफैक्चर फॉर परिजन एक्टिविटीज इट फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम रेगुलरली पक्का हो गया कि यहाँ ट्वेंटी लैक्स रुपीज की नहीं बल्कि आएगा एट तो लैक्स एक कैस विद्रॉइ किया है और 58 एट लैक्स उन्होंने एक और कैश विदड्रॉ किया है तो टोटल जो इनकी कैश विड्रॉन है वो हम कह सकते हैं 126 ट्वेंटी हो गया वन करोड़ रुपीज आप हटा दीजिए इससे ऊपर जो भी अमाउंट आएगा इस पर टू परसेंट से जो टी है वो इनका काटा जाएगा ओके मन में ये मत लाना कि सर इन्होंने फार्मर्स को जो पेमेंट करने के लिए अमाउंट विदड्रॉ किया है उसके लिए तो वन नाइनटी एन में एक्सेप्शन है नहीं वो एक्चुअली किनिकली एक्सेप्शन है अगर जो फार्मर्स को पेमेंट जो कर रहे हैं अगर वो कमीशन एजेंट या ट्रेडर है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में ऑपरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से रिलेटेड लॉ में अगर रजिस्टर्ड है वो बैंक को ये लिख कर दें कि हम जो आपसे अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ये फार्मर्स से उनकी फसल वगैरह खरीदने के लिए उनको पेमेंट करने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उन कमीशन इज अंडर ट्रेडर के लिए एक्सेप्शन है और यहां पर तो जो असस्सी है वो कौन है मैन्युफैक्चरर है इसलिए वो एक्सेप्शन वाली बात यहां पर मन में मत लाना ओके देन अगला केस इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूस नाइनटी एट थाउजेंड ना ऑन कैपिटल गेम बॉन्ड इशूड बाय पी एफ सी एल पी एफ सी एल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू मिस्टर अजय अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल तो बाय डियर फ्रेंड्स

करना नहीं तो वन नाइनटी फाइव जिंदाबाद इनफोर्स ब्रॉडली स्पीकिंग वन है तो वो हम यहां पर यूज में ले लेंगे आइए अब मैं ले चलता हूं फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर फोर का ही जो पार्ट बी मैडियर फ्रेंड्स आपको ये है जनवरी 21 में क्वेश्चन आपको दिया गया था देखिए क्या यहां पर फॉलोइंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद केनरा बैंक रुपीज ट्वेंटी टू लैक्स फ्रॉम टी एंड कंपनी लिमिटेड रुपीज ट्वेंटी गिफ्टेड लैंड टू इज सन एज थर्टी फाइव इन फाइव इन एगो हूज प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इज रुपीज ट्वेंटी एट लैक्स तो मतलब जब पांच साल पहले इन्होंने सन को वो लैंड गिफ्ट की थी तब सन थर्टी थे? माइनर नहीं थे थे मेजर मेजर तो उन्होंने सन को ये लैंड गिफ्ट किया डायल रिमूवल टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ टैक्स रिकवरी और रिफंड कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड चैप्टर जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको एक टीआरओ वाले सेक्शन नजर आता है याद कीजिए सेक्शन 222 उस सेक्शन 222 में टैक्स रिकवरी ऑफिसर को अससी की सर्टेन मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी से जो रिकवरी की पावर दी गई है वहां पर उन मूव अससी की जो मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनमें किन-किन को इंक्लूड किया गया है अससी की जो अपनी मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो है ही उसमें और क्या इंक्लूड किया गया है अगर उन्होंने अपने स्पॉउस को या अपने माइनर चाइल्ड को यस माय डियर फ्रेंड्स मैं हाईलाइट करता हूं अगर सस्ती ने अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को या अपनी सन्स वाइफ को या अपने सन के माइनर चाइल्ड को अगर कोई विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर असेट कभी ट्रांसफर की है जिससे अगर वे अभी होल्ड कर रहे हैं हाँ अगर माइनर को की थी वो अब मेजर भी हो गए हैं तो उनके मेजोरिटी अटेन करने से पहले एसस्सी के जो भी लीगल ड्यूज हैं उनकी रिकवरी के लिए उस माइनर से मेजर हो चुके सन के पास एग्जिस्ट करने वाली असेट से जो अससी ने ट्रांसफर की थी उससे भी रिकवरी की जा सकती है लेकिन सेट दी माइनर चाइल्ड को अपने माइनर चाइल्ड को या अपने सन के माइनर चाइल्ड को दी गई हो अगर मेजर सन को अगर कोई असेट दी गई है तो वो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स कहीं पर भी कवर्ड नहीं है ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहां पर केवल और केवल दिया मैं मेन पॉइंट पर आपको लेकर आता हूं यहां इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मिस्टर प्रमोद की जो खुद की एफ उनको यूज किया जा सकता है जो उनके खुद के डेटर्स हैं, उनसे रिकवरी की जा सकती है जो उन्होंने अपनी सनस वाइफ को जो डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था उससे भी रिकवरी हो सकती है लेकिन जो 28 एट लैक्स की जो लैंड उन्होंने अपने मेजर सन को दी है माइनर सन को देते और वो मेजर हो जाता तो हम इसको भी पकड़ लेते हैं लेकिन उन्होंने तो दी मेजरसन को है। इसलिए यह वाला जो आ, ट्वेंटी एट लैक्स रुपीस का जो प्लॉट वाला जो केस है यह हम कह सकते हैं कि रिकवरी में यूज ये टी नहीं कर पाएंगे आप देखेंगे फ्रेंड्स यही बातें आपको यहां पर सोल्यूशन में नजर आएंगे तो जो एस के खुद के एफडी खुद के रिकवरीबल नेकलेस है उससे भी रिकवरी हो सकती है लेकिन बस वो लैंड वाला जो केस है उससे रिकवरी टी आर ओ यहां पर नहीं कर सकेंगे राइट आइए अब मैं रखता हूं आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है यस फ्रेंड्स ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आप एक थिन कैपिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं और जुलाई 21 में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था मिलता जुलता क्वेश्चन आपको यहां पर इस एमटीपी में प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 94 बी जो थिन कैपिटलेशन का कॉन्सेप्ट है ना जो एक्सेस इंटरेस्ट दीसलैबेंस वाला वो नॉलेज आपसे यहां पर टेस्ट की जाएगी देखिएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉल द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 24 ओके okay. अब दिम... देखिए उनके पी एल में जीपी दिए गए हैं है है ना बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं उन्होंने एक को इंटरेस्ट पे किया डेपोरेशन इनकम टैक्स और नेट जो प्रॉफिट था वो रिजर्व में ट्रांसफर जो हुआ है वो बताया गया है अब ऑन ट्वेंटी थर्ड जून ट्वेंटी टू जेड लिमिटेड इंडियन कंपनी बोरोड रुपीज वन ट्वेंटी करोड फ्रॉम एल एन टी कंपनी इन इन कंट्री आर द सेड लोन ट इन कंट्री वाई सेम लिमिटेड होल्ड थर्टी सिक्स परसेंट शेयर पक्का हो गया कि हमारी एस एस सी एक्स वाई जेड के लिए यह सेम लिमिटेड एसोसिएटेड इंटरप्राइज है तो हमारी एस एस सी एक्स वाई जेड लिमिटेड ने जिस

आप चेक करेंगे क्या कोई एक्सेस इंटरेस्ट इनका अपनी एसोसिएट से लिए गए लोन या लिए गए माने गए लोन के रिस्पेक्ट में में रहा रहा था अगर रहा होगा तो साल में हुआ होगा अगले एट इयर्स में वो अलाउ हो पाता है सब्जेक्ट टू लिमिट तो देखिए प्रीवियस ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का एबिटेडा क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेपरिशन अमोर्टाइजेशन तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो भी नेट प्रॉफिट यहां गिवन है उस नेट प्रॉफिट में फ्रेंड्स हम जो भी इंटरेस्ट डेप्रीशन इनकम टैक्स ये यहाँ पर अलाउ डिसअलाउ कर देते हैं इनको हम रिवर्स करते हैं ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशन अमोर्टाइजेशन इसको हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर एबिटडा इस साल का पता लग पाएगा तो चलिए फाइव फाइव सेवन प्लस फाइव सिक्सटी टू यस माय डियर फ्रेंड्स देन 250 मैंने यहां पर 557 जो नेट अमाउंट था इसमें 271 सेवनटी uh, वन और 562 यस yes. 1640 ये एबिटेड आ गया अब आपको लिमिट पता है 30 परसेंट किया ना राइट तो इसका मैंने 30 परसेंट निकाला वो 492 नाइनटी टू लैक्स आया अब आप देखिए इन्होंने एसोसिएट ड्राइज को इंटरेस्ट दिया फाइव सिक्स पक्का हो गया कि 562 सिक्सटी टू लैक्स में से यस फाइव सिक्सटी टू लैक्स में से जो 492 नाइनटी टू लैक्स रुपीज का जो इंटरेस्ट है वही यहां पर अलाउड हुआ होगा तो बाकी सेवेंटी लैक्स रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हुआ होगा प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में जो नेक्स्ट एट ईयर्स तक आप अलाउ क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू थ्रेसोल्ड ऑफ दो नेक्स्ट एट ईयर्स ठीक है अब मेनली आते हैं हम करेंट ईयर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की तरफ प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में Uh, अब इसका निबिट डेटा निकालते हैं तो जो 430 थ्री ज़ीरो लैक्स की नेटर्निंग है उसमें हमने ये वही इंटरेस्ट डेप्रिशन और टैक्स को हम यहाँ पर एडबैक कर देंगे ठीक है तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए एडबैक कर देता हूँ तो फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट है 403 ज़ीरो में मैंने 332 254 और 389 अब जो EBITDA आया वो थर्टीन सेवेंटी एट लैक्स का आया अब जो लिमिट बनेगी वो इसका थर्टी परसेंट लिमिट निकलकर आएगी दैट इज फोर वन थ्री लैख फोर वन थ्री पॉइंट फोर लैक्स अब करेंट ईयर का इंटरेस्ट तो इससे कम है तो इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में करेंट ईयर का पूरा इंटरेस्ट क्लेम करने के बाद में भी Uh, आप कुछ फॉरवर्ड जो आपका अनअलाउड इंटरेस्ट है उसमें से 24.4 फोर का और क्लेम कर सकते हैं राइट right? आप 24.4 फोर का आप कॉन्सेपचुअली चीजों को देख क्लियर करके चलना यहां पर एबीडेटा तक जाने के लिए आप सीधा इसमें से अगर इसको भी लेस कर देते तभी भी एबीडेटा आपका ये आ जाता लेकिन अगर 25 खर्चे होंगे तो क्या फिर सारे 25 खर्चों को माइनस करते चलोगे एक एक करके तो बेटर है कि आप वो अप्रोच बनाओ जो हर जगह काम आ सके इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इबिल्टा में हमें इंटरेस्ट टैक्स डेपोलिशन मोडाइजेशन बस चार गिनती का आइटम है जो एडबैक करने होते हैं तो हम तो बस नेट प्रॉफिट उठा के वो एड करें है ना अच्छा चलिए मेन जो पॉइंट मैं उस पर लाता हूं प्रीवियस ईयर 23 24 के लिए आपको पीजीबीपी एड में चार्जेबल इनकम अगर पता करनी है तो जो इसका प्रॉफिट है 403 लाख का उसमें इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है वो हम डिसअलाउ कर देते हैं ओके okay. जो हमारा डेपरिशन वालाएवल है इंटरेस्ट पूरा लाइबल है हाँ एक्सेस इंटरेस्ट आपका 24.4 लाख का लास्ट ईयर वाला भी अलाउड हो जाएगा है ना तो फ्रेंड्स वो हम और अलाउ कर देंगे करेंट ईयर में तो इससे हमारा जो यहां पर अमाउंट आएगा 403 लाख में मैंने जो इनकम टैक्स है उसको एड किया और मैंने 24.4 को माइनस किया तो 710.6 लाख लैक्स ये हम कह सकते हैं कि करेंट ईयर की टैक्सेबल इनकम मेरे डियर फ्रेंड्स निकल कर आएगी पी में चार्जेबल इनकम यहाँ पर ट्रीट की जाएगी आप देखिए आपको यहाँ जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है सेवन वन जीरो अमाउंट है करेंट ईयर की जो चार्जबल इनकम इनकी निकल कर आएगी आइए अब मैं केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन रखना स्टार्ट करता हूं देखिए क्या आपको बस जो तीन केस आपको दिए गए हैं उसमें से दो कोई भी केस आपने बताने हैं हम तो तीनों ही डिस्कस करेंगे आप चिंता मत करना चलो फ्रेंड्स पहली जो केस स्टडी है वो देखिए द आर्म्स लेंथ प्राइज determined by the tribunal, which is the final fact-finding authority, is a final and cannot be uh, subject to subject matter of scrutiny by the high court as if as it does not give rise to a substantial question of law. accordingly, in an appeal under section 260a, the high court is precluded, that is restricted from uh,

और यहां पर जिस केस की ये बात कर रहे हैं ना आप याद उठाइए फ्रेंड्स अपील्स एंड रिविजन चैप्टर में आप एक सेप्स लेप से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस देखते हैं वहां सेप से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सेम इश्यू गया था देखिए यहां पर हमें करना क्या है हमें यहां पर बताना है क्या इशू इन्वॉल्व है बड़ा आसान होता है फ्रेंड्स आपको जो कहानी दी गई है ना उसी को इशू के तौर पर दे दीजिए प्रेजेंट कर दीजिए इशू क्या इन्वॉल्व है इशू बस ये इन्वॉल्व है कि ट्रिब्यूनल के द्वारा जो आर्म्स प्राइस डिटरमाइन की गई है ट्रिब्यूनल जो फाइनल फैक्टर फाइटिंग अथॉरिटी कहलाती है इसको हाईकोर्ट के द्वारा सब्जेक्ट हाईकोर्ट के द्वारा इसको टच नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है क्या ये सही है बस आपने तो माय डियर फ्रेंड्स ये इशू इन्वॉल्ड है है ना कि क्या यहां पर ये जो कहा जा रहा है ये ठीक है क्या और रही बात प्रोविजन एप्लीकेबल की सेक्शन टू सिक्सटी ए सेक्शन टू सिक्सटी ए में कोर्ट के सामने कोई भी अपील तभी भी एड्म, तभी एडमिट की जाएगी जब हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होंगे कि केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ इवाल है मैंने एनालिसिस एंड कंक्लूजन उसमें सेपलेप्स से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस आपने यूज करना है अपील्स एंड चैप्टर में हम जहां ढेरों केस लॉज माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं वहां पर इस केस में जिस तरह की बातें एक्चुअली की जाती है कि देखो आप याद कीजिए जो आर्म्स लेंथ प्राइस है उस आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए चैप्टर टेन ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर चैप्टर टेन जिसमें सेक्शन 92 से 92 एफ तक की लीगल पोजीशन गिवन है रूल टेन बी से रूल टेन ई तक के माई डियर फ्रेंड्स जो प्रोविजन्स है वो दिए गए हैं और उसमें रूल टेन बी में खासकर जहाँ पर आर्म्स लेंथ प्राइज की डिटर्मिनेशन के लिए गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं एक्चुअली ट्रिब्यूनल ने जो आर्म्स लेंथ प्राइस पर डिसीजन लिया है लि वहां पर चैप्टर टेन के जो भी रूल्स जो भी इनकम टैक्स के के चैप्टर हैं ट्रांसफर सेक्शन 92 से रूल टेन ई तक के जो भी प्रोविजन है, है उनको कंप्लाई विद किया गया है नहीं ये एग्जामिन करने का हक तो हाईकोर्ट का होना चाहिए ना राइट तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो ट्रिब्यूनल लेवल पर जो भी ऑनसलेन प्राइस के डिटर्मिनेशन पर उनका जो ऑर्डर आया है वास्तव में वहां जो भी ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग से रिलेटेड लीगल प्रोविजन रूल्स रेगुलेशन हैं, वो कंप्लाई विथ हुए हैं या नहीं ये हाईकोर्ट एग्जामिन करने का राइट रखते हैं इस हद तक जो इश्यू है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली जो भी ए की डिटर्मिनेशन में कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शंस लेना होता है तो वो सही से लिया गया है या नहीं लिया गया है जो भी एज्युम्शन वगैरह ली गई हैं वो प्रॉपर ली गई हैं या नहीं जो भी एडजस्टमेंट्स किए गए हैं वो लॉफुली किए गए हैं या नहीं इनको कंसिडरेशन में लेते हुए हाई कोर्ट अगर चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास कर दिया दैट्स फाइनल नहीं यहां देखिए फ्रेंड जैसा मैं कह रहा था अभी से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस के बारे में वहां सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा आ, उन्होंने हाई कोर्ट की ए के डिटरमिनेशन वाले ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के इश्यू को कंसीडरेशन लेते हुए एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा क्या ट्रिब्यूनल की खुद की ड्यूटी थी कि वो जो भी ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर के प्रोविजंस हैं जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं रूल टेन ए से रूल टेन बी तक इन टोटेलिटी गिवन है रूल टेन बी बेसिकली मेन रूल है जिसमें ट्रांसफर प्राइस मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस की गाइडलाइंस वगैरह गिवन है आप देखते हैं ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर में इसलिए मैंने रूल टेन बी पर एम अप्लाई किया था अभी तो ट्रिब्यूनल को भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं अब फ्रेंड्स uh, अगर कोई डिटर्मिनेशन ए का अगर इन रेलिवेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ तो फिर हम हाई कोर्ट को भी रोक दें कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये सही नहीं कहलाएगा ठीक है इसीलिए देयर कैन नॉट बी एनी एब्सोल्यूट प्रपोजिशन ऑफ लॉ दैट इन ऑल केसेस वेयर द केसिसम इज फाइनल एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट इन एन अपील अंडर सेक्शन टू है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि हम ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हर एक केस में ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास कर दिया दैट्स फाइनल उन्होंने यही कहा कि जो भी जो भी सिलेक्शन ऑफ फिल्टर्स है जो भी कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन वगैरह है वो प्रॉपर हैं नहीं हैं। इनको एग्जामिन करने का राइट तो हाईकोर्ट के पास होना चाहिए उनके पास केस अगर आ रहा है तो वो ये चेक कर पाए कि हाँ नॉन कंपेरेबल ट्रांजेक्शन वगैरह यहां पर कंसिडर तो नहीं कर लिए गए हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हाई ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है तो हाईकोर्ट ए एल पी की डिटर्मिनेशन पर उस ऑर्डर को टच नहीं कर सकते ये प्रपोजिशन गलत होगी आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आइए में ले चलता हूं फ्रेंड्स अब आपको एक और अच्छे केस लॉ पर बेस्ड केस स्टडी में टेनग्राम लिमिटेड Entered into a contract for purchase of patented process with Messrs. Das Incorporation, a non resident company based in country X. It filed an application under section 195 section 2 before the AO to make payment to the non resident company for purchase of patented process without deducting tax at source. The Associate Tangram Limited. Contended that said non-resident company had no permanent establishment in India, and in terms of DTAA between India and country X, no tax was to be deducted in India on the on same. The assessing officer rejected the assessee's application on grounds that consideration for patented process constituted royalty under section nine one six and was liable to be taxed in India, and accordingly, assessee was directed to deduct tax at source at the rate ten percent on the said royalty payment. ठीक है पहले 150 फिफ्टी ए में रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पर टेन परसेंट का टैक्स रेट होता था तो उसको कंसिडरेशन में लेते हुए एओ ने यह किया ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का जो केस है ना उससे रिलेटेड फैक्ट्स है उससे आइडेंटिकल फैक्ट्स हैं इसलिए टेन परसेंट की बात कही जा रही है नाउ ऑन अपील द कमिश्नर अपील पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द सी ऑन फर्दर अपील द ट्रिब्यूनल अप हेल्ड द ऑर्डर पास बाय द एओ ऑन ग्राउंड दैट द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ पेटेंट प्रोसेस वर इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी एंड टैक्स एट सोर्स टू बी डिडक्टेड ऑन सच पेमेंट नाउ द सी कंपनी फाइल्ड एन फाइलियस एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन टू फिफ्टी फोर अपील बिफोर द हाई कोर्ट ठीक है अच्छा

तो फ्रेंड जैसा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड केस में हुआ उसी तरह की बातें यहां पर हो रही हैं मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पेयर ने असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो पेमेंट है वो बिना टीडीएस के जाने दो एओ ने कहा नहीं ये पेमेंट पर टेन परसेंट टी डी एस होना बनता है ये रॉयल्टी के नेचर की पेमेंट है इसलिए सी आई टी पिल ने कहा नहीं नहीं ये यह कोई यहाँ टीडीएस की जरूरत नहीं है क्योंकि डी डी डबल ए में कहा गया है कि इस पर टीडीएस नहीं होना है इंडिया में उनका पी नहीं है इसलिए इस पर टी डी एस की जरूरत नहीं है लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं नहीं टीडीएस तो होना चाहिए उन्होंने ईओ के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया अपील्ड किया मतलब कंफर्म कर दिया कि टीडीएस तो होना चाहिए अब अससती गो गुस्साई उन्होंने क्या किया उन्होंने पहले तो अससती ने ट्रिब्यूनल के सामने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन दी कि अपने ऑर्डर को सुधार लो और धम धमकाने के लिए हाई कोर्ट में अपील भी डाल दी रिट भी डाल दी जैसे रिलायंस ने किया है ना अब ट्रिब्यूनल को लगा के भाई अभी इनफैक्ट इमेज खराब होने वाली है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि आप अपील वपील वहां से विदड्रॉ कर लो हम रेक्टिफिकेशन में सब देख लेंगे ठीक है और रेक्टिफिकेशन क्या रेक्टिफिकेशन तो होता है मिस्टेक अप्रंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब उसकी पावर तो बहुत लिमिटेड है और ट्रिब्यूनल ने क्या किया रेक्टिफिकेशन को अपील की तरह यूज़ किया उन्होंने उस केस की दोबारा से पूरी री कर डाली दोबारा से रीहर्ड एंटायर अपील उन्होंने जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको रिकॉल किया और फिर एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया और एसएससी ने फिर हाई कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया ये हो क्या रहा है डियर फ्रेंड्स सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 में जहां रेक्टिफिकेशन की है ये इस पावर का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है या केवल और केवल कोई मिस्टेक एप्रिट फ्रॉम रिकॉर्ड अगर कोई है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह जैसी कोई मिस्टेक है वही रेक्टिफिकेशन वो रेक्टिफाई हो सकती है और आप एंटायर अपील की रीयरिंग कर रहे हैं मतलब जैसे आप नॉर्मल अपील में हियरिंग करते हैं वैसे ही आप पूरी अपील की दोबारा से टू फिफ्टी रेक्टिफिकेशन के नाम पर रीयरिंग कर रहे हैं पूरे केस की और अपना ऑर्डर दे रहे हैं एक्चुअली यहां सस्सी की ड्यूटी क्या थी कि अगर वो हाईकोर्ट के पास चले गए हैं तो हाईकोर्ट से फाइनल ऑर्डर ले लेते उन्होंने वहां से तो अपील वहां से तो अपनी पिटिशन विद्रॉ कर ली है ना ये नहीं चलेगा यहां पर इशू क्या है कि क्या ट्रिब्यूनल के द्वारा अपने एंटायर ओरिजिनल ऑर्डर को रिकॉल करके एंटायर अपील की रीहरिंग करने का जो एक्ट है सेक्शन 254 फिफ्टी टू में क्या ये वैलिड एक्ट कहलाएगा आंसर नो यहां पर प्रोविजन एप्लीकेबल की अगर हम बात करें टू फिफ्टी फोर वन में हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो जैसा चाहे वैसा ऑर्डर पास कर करें लेकिन टू फिफ्टी फोर टू में रेक्टिफिकेशन की पावर भी इनके पास में है लेकिन एनालिसिस एंड कंक्लूजन में आप क्या दोगे वही रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड वाले केस की बात है कि एंटायर अपील की इस लिमिटेड पावर वाले सेक्शन में रियरिंग करना इस सेक्शन का मिसयूज और एब्यूज कहलाएगा इस सेक्शन में ट्रिब्यूनल की पावर की अल्ट्रा वायरस पॉवर कहलाई गई और इसलिए ये एक्ट ट्रिब्यूनल का यहां करेक्ट्रीट नहीं किया जाएगा

एक्चुअली uh, ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं तीन बार ये क्वेश्चन आ गया है

50,000 rupees 12.5 crores of income during the course of search. Later on, he filed an application for sale of gold bar weighing 5 cases for adjustment towards the tax liability even before the completion of the assessment by the assessing officer. However, the assessing officer rejected the application and observed that such action can be taken only after the assessment is completed and demand has been quantified. Is the असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एग्जामिन माय डियर फ्रेंड्स आप याद उठाइए सेक्शन 132 बी में या सीज्ड मनी सीज्ड असेट के एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस गिवन है वहां सेक्शन 132 बी में जो भी सीज्ड असेट्स हैं उनसे एक तो असेसी की जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जो असेसी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जिनकी नोटिस ऑफ डिमांड एसअस्सी को चले गए थे थर्टी डेज का टाइम निकला हुआ पड़ा है और एसअस्सी पे ही नहीं कर रहा तो एक तो एस की जो एक्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हैं जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनकी रिकवरी के लिए और दूसरा जो सर्च सीजर के बाद में फ्रेशली जो असेसमेंट होने वाले हैं जो असेसमेंट रीअसेसमेंट अब आगे कंप्लीट होने वाले हैं है ना उनमें जो लाइबिलिटी डिटरमाइन होकर आने वाली है जिसको अगर एस पे करने में डिफॉल्ट करेगा तो उसकी रिकवरी में ये जो सीज्ड मनी सीज्ड सेट्स वगैरह है वो यूज किए जा सकते हैं

राइट right. लेकिन असस्सी ऐसा कर रहे हैं इस केस में नहीं असस्सी तो खुद अपनी गलती मान रहे हैं वो तो वॉलंट्री इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनने वाली है आप एक काम करो फाइव केजीज गोल्ड बार बेचकर हम जितना अमाउंट आए उतना हमसे टैक्स का पेमेंट मान लो जिससे हमारा टू थर्टी फोर का इंटरेस्ट वगैरह बच जाए तो क्या असस्ती के हिसाब से काम करेगा? नहीं हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर का केस याद कीजिए फ्रेंड्स अलाबाद हाईकोर्ट का हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर के केस में सुप्रीम में अलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि असस्ती के पास यह ऑप्शन है कि वो अपनी सीज को रिलीज कराने के लिए अप्लाई कर दे नेचर एंड सोर्स अगर वो उसका एक्सप्लेन कर सकता है तो ठीक है असस्िंग ऑफिसर उसकी इस डिमांड के लिए बाउंड नहीं है कि वो एसएस्सी के सीजडा सेट को बेचकर एससी से टैक्स का पेमेंट मान ले ना ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी यहां पर जिस यहां पर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी का तो मैटर ही नहीं है एस तो क्या चाह रहा है कि जो मैंने वॉलंट्री इनकम डिस्कलोज की उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है उस लाइबिलिटी का पेमेंट आप उससे मान, मान लीजिए एक तरह से एडवांस टैक्स के तौर पर पेमेंट मुझसे ट्रीट कर लीजिए तो याद कीजिए फ्रेंड्स एडवांस टैक्स लाइबिलिटी तो वन बी में बाहर है है ना याद आ रहा है फ्रेंड्स तो यहां इस केस में जो लाइबिलिटी अभी असेसमेंट रीअसेसमेंट जब कंप्लीट होंगे तब डिटरमाइन होकर जो आएगी उसकी रिकवरी के लिए वो सीज सेट आ, बेची जा सकेंगी लेकिन अभी तो वो लाइबिलिटी डिटरमाइन होकर ही नहीं आई तो अभी अभीटी की बेची जा सके क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता यस yes, फ्रेंड्स आप देखिए आपको जो मैंने अभी ये केस आपके सामने रखा ना फ्रेंड्स uh, देखिए ये हेमंत कुमार सिंधिया का केस, हाई कोर्ट ने फ्रेंड uh, जो बातें कहीं वही एग्जैक्टली exactly मैंने आपके साथ में यहां पर ये डिस्कस किए हैं तो इस केस में एओ का जो एक्शन है अससी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ये एकदम यहां पर जस्टिफाइड और करेक्ट कहलाएगा अब आप इसकी रीडिंग लगाएंगे इसमें कुछ भी नया नहीं पाएंगे और आइए इसी क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट बी को देखिए डिस्क्राइब द थ्री टीयर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन

थ्री टीयर स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं एक तो मास्टर फाइल रिपोर्टिंग मास्टर फाइल रिपोर्टिंग जो एम ग्रुप की जो भी हर एक एंटिटी होती है जो अपने लेवल पर अपने लोकल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल करती है इस मास्टर फाइल में जो एम ग्रुप का एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया जाता है कि भाई ग्रुप का जो ओवरऑल ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हो गए ग्रुप की जो ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह हो गई तो जो एक हाई लेवल ओवरव्यू है वो मास्टर फाइल के थ्रू एमएनसी ग्रुप की ईच एंटिटी अपने अपने टैक्स रोडक्शन को फर्निश करती है है ना फिर आता है सेकेंड लेवल मतलब ट्रांजेक्शन फाइल थ्री टीयर स्ट्रक्चर में सेकेंड टीयर हम कह सकते हैं इसको ट्रांजेक्शन फाइल जिसको हम लोकल फाइल भी बोलते हैं अब ये जो ट्रांजेक्शन फाइल है इसमें बेसिकली जो लोकल ट्रांजेक्शंस मतलब जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो फर्निश की जाती हैं और ये भी जो एमएनसी ग्रुप की ग्रुप एंटिटीज हैं वो बेसिकली अपने अपने लोकल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के यहां फाइल करती हैं लेकिन जो थ्री टीअर स्ट्रक्चर में थर्ड हम कह सकते हैं कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट सीबीसी रिपोर्ट ये केवल और केवल जो एमएनसी ग्रुप की जो पेरेंट एंटिटी है वो अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फर्निश करती है है ना उस बेसिकली ये सीबीसी रिपोर्ट कैसे बनती है आप याद उठाइए आप पढ़ते हैं ना ये सारी चीज़ें सेक्शन टू में भी और जो एक्शन प्लान थर्डीन है मेनली उसमें भी जो एम ग्रुप की हर एक एसोसिएट है जो हम कह सकते हैं सब्सिडरी सिंपली स्पीकिंग वो अपनी पेरेंट एंटिटी को आ, जो अपने एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो फर्निश करती हैं जो अपने ग्रॉस रेवेन्यू हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना उन्होंने टैक्स पे किया कितने एम्प्लॉयज हैं कितनी असेट्स हैं कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये कॉलोनर वे में मतलब ये हर एक एंटिटी हर एक एसोसिएटेड सब्सिडी अपने पेरेंट एंटिटी को फर्निश करती है फिर पेरेंट एंटिटी कॉलमनर फॉर्म में ये जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट है वो एक तैयार करके अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ फर्निश करती हैं और जब आप डिटेल में चीजें देखते हैं तो वहां पर सेक्शन 286 एटी मतलब तो इनकम टैक्स एक्ट में वो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलता है मेनली ऑटोमेटिक रूट से फिर ये जो पेरेंट एंटिटी के टैक्स रोडक्शन को जो पेरेंट एंटिटी से सी बी हुई होती है वो उनके जो सब्सिडरीज के टैक्स है उनके साथ एक्सचेंज करती हैं जिससे सब्सिडरीज़ के टैक्स रोडक्शन को भी पता लग सके कि हाँ ये जो सब्सिड्री ने हमारे यहां अपनी जो इनकम वगैरह की डिटेल्स जो बताई थी और अपनी पेरेंट एंटिटी को जो डिटेल्स बताई थी वो मैच कर रही है नहीं क्योंकि पेरेंट एंटिटी के थ्रू कंट्री पा कंट्री रिपोर्ट के थ्रू वो सब्सिडरी के टैक्स रोडिक्शन को भी पता लग पाती हैं मतलब सब्सिडरी का जो टैक्स अथॉरिटी है उसको सब्सिडरी से उसे सब्सिडरी से मैं डियर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन फाइल के थ्रू पता लगा और सब्सि ने जो पेरेंट एंटिटी को जो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू चीजें दी जो जिससे पेरेंट एंटिटी ने सीबीसी तैयार करके अपने टैक्स अथॉरिटी को जो दी जहां से सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटी के पास वो चीज़ें आ गई तो सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटी के पास में दो जगह से चीजें आएंगी एक तो सब्सिडरी ने दी और दूसरा सब्सिडरी फिर पेरेंट एंटिटी फिर पेरेंट्री का टैक्स रोडक्शन फिर सब्सि के

है सेक्शन 92 टू डी सबसेक्शन फोर और सेक्शन टू एटी सिक्स में आपको फ्रेंड्स ये गिवन है ये मैंने शॉर्ट में जो चीजें हैं वो आपके सामने फ्रेंड्स यहां पर रखी हैं एक्चुअली ये दोनों ही जो रेफरेंस हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिलते भी मैं रखता हूँ देखिए एक्शन प्लान थर्टीन में जैसे मैंने मास्टर फाइल रिपोर्टिंग के लिए जो भी बातें कही थी कि हाई लेवल ऑव रिव्यू वगैरह वाली जो भी सारी चीज़ें थी फिर लोकल फाइल को लेकर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट को लेकर किस तरह से ये चीज़ें जाती हैं इनकम टैक्स एक्ट में मैडियर फ्रेंड सी बी सी रिपोर्टिंग से रिलेटेड टू एटी सिक्स में मास्टर फाइल से रिलेटेड सेक्शन नाइन्टी टू डी वगैरह में ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल पाती हैं ओके मेनली ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में फिर हम डायग्रामेटिक शिप में भी ये जो मास्टर फाइल रिपोर्टिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं वो इजीली देख पाते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ जो जो मैंने अभी सीक्वेंस वगैरह की जो चीजें डिस्कस की थी जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स यस जब हम सेक्शन 92 डी की बात कर रहे होते हैं जब हम सेक्शन 92 डी की मेडियर फ्रेंड्स ट्रांसफर चैप्टर में बात कर रहे होते हैं तो वहां सेक्शन 92 डी में जब सब सेक्शन तक हम पहुंचते हैं जो ओरिजिन है यस yes, फ्रेंड्स मास्टर फाइल रिपोर्टिंग का इनकम टैक्स एक्ट में ये मास्टर फाइल रिपोर्टिंग का ओरिजिन सेक्शन 92 टू डी के सबसे फोर से है तो वहां पर मास्टर फाइल किसको फर्निश करनी होती है क्या उससे रिलेटेड रूल्स है मास्टर फाइल किस फॉर्म में फर्निश की जाती है कब तक फर्निश की जाती है वो सारी सर्कमिस्टेंसेज ये डिस्कस कर लेने के बाद में फिर वहीं पर साथ ही साथ हम सेक्शन टू कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का डिस्कस कर लेते हैं येस इनकम टैक्स एक्ट में ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है और एज वहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ में ये

वो केस स्टडीज जो मैंने प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज में आपके साथ इंट्रोडक्टरी डिस्कस कर भी रखी हैं और मैंने आपको कहा भी कि के एक केस स्टडी मे 24 में एज इट इज आई थी बाकी जो केस स्टडीज है उनमें से भी एक केस स्टडीज आपको नवंबर 24 के एग्जाम में मिल जानी चाहिए और देखिए अभी एमटीपी में भी माय डियर फ्रेंड्स वहीं से एक केस स्टडी पिकअप करके आपको यहां दे दी गई है रखता हूं मैं आपके सामने टीएमपी लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कॉन्ट्रेक्टर्स इट मेड पेमेंट फॉर हायरिंग डंपर्स फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज नॉट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स ऑन द ग्राउंड दैट सिंस द पेमेंट वॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर रेंटिंग आउट मशीनरी एंड इक्विपमेंट सच पेमेंट कोड नॉट बी टर्म्ड एज रेंट पेड फॉर यूज ऑफ मशीनरी अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आई एंड हेन्स नो टैक्स वॉज डिडक्टेबल एट सोर्स The tax auditor is, however, of the view that the transactions be being in the nature of contracts for shifting, out, shifting of goods from one place to another would be covered under work contracts.

Uh, कोई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट को हायर पर लेने के लिए पे किया जाने वाला रेंट नहीं है यह एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग ऑफ डंपर नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो वन एंड तो यहां पर एक कंपनी ने वर्क दिया है कि हमारे जो गुड्स हैं, वो आप यहां से वहां तक बस ट्रांसपोर्ट करेंगे और वो वर्क यहां पर वो ट्रांसपोर्टर कैरी आउट कर रहा है तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है 194 सी में टीडीएस काटना बनता है जबकि कंपनी कह रही है नहीं कोई टीडीएस होना ही नहीं चाहिए 194 आई में नहीं होगा लेकिन कंपनी कह रही है नहीं नहीं कोई टीडीएस होना ही नहीं चाहिए ठीक है तो ये यहां पर हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यहां पर असोसी टीएमपी लिमिटेड का कहना है कि जो पेमेंट हमने ये किया है इस पेमेंट पर कोई टीडीएस नहीं होना बनता टैक्स ऑडिटर का व्यू अलग है वो कहते हैं कि ये जो केस है इस पर 194 सी में जो टीडीएस है वो टीडीएस यहां पर होना चाहिए तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार भी करते होंगे उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो पैरा थर्टी आप देख आपको देखने को मिलता है वहाँ पर टैक्स ऑडिटर को टी डी एस टी सी एस के बारे में कंपनी अपने एस सी के पार्ट पर चीज़ें कन्फर्म करनी होती हैं वहाँ यही पूछा जाता है ना कि इस केस में जो टैक्स डिडक्शन या टैक्स कलेक्शन है वो रिक्वायर्ड है क्या अगर है तो फिर वहाँ पर जो मैंशन डिटेल्स हैं वो फर्निस करना रिक्वायर बनता है है ना फ्रेंड्स पैरा थर्टी फोर में आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो टी डी एस टी सी एस के बारे में टैक्स ऑडिटर को जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो फर्निश करनी होती हैं है ना अच्छा अब आ, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फॉर्म थ्री सी ए में यस माइ डियर फ्रेंड्स फॉर्म थ्री सी ए में आ, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो बोथ व्यूज है वो पैरा थ्री में उनको रिपोर्ट करने होते हैं है ना कि भाई हमारा व्यू ये है कि ये जो भी अमाउंट है इस अमाउंट पर जो टीडीएस है वो टीडीएस काटना बनता है हमारा व्यू ये है कि इस केस में जो टीडीएस है वो 194 सी में डिडक्ट होना बनता है हालांकि हमारे क्लाइंट का ये व्यू है का ये व्यू है कि इस केस में टीडीएस काटना नहीं बनता तो अगर डिफरेंस ऑफ उप ओपिनियन है तो टैक्स ऑर्डर की ड्यूटी है कि वो आ, जो डिफरेंस ऑफ उप ओपिनियन एंड बोथ व्यूज हैं वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फर्निस करे जिससे डिपार्टमेंट को पता लग सके क्या वास्तव में अससी क्या कह रहे हैं और सीए का क्या कहना है है ना फिर वो अपने इंटेलेक्चुअल यूज करके जो करेक्ट ट्रीटमेंट है उसको डिसाइड एंड डिटरमाइन कर सके ठीक है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में बोथ व्यूज को देना ऑडिटर की ड्यूटी है अच्छा फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप पैरा ट्वेंटी वन भी देखते हो वहां पर अगर टीडीएस की नॉन कंप्लायंस अगर किसी पेमेंट में है तो उसके उस एक्सपेंस के डिसअलावेंस की भी बातें टैक्स ओल्डर को देनी होती तो अगर टैक्स ऑलडर के हिसाब से अगर यहाँ टैक्स डिडक्टेबल है और नहीं डिडक्ट अगर कंपनी ने किया है ससी ने नहीं किया है तो फिर उसका थर्टी एक्सपेंस भी तो डिडक्टे डिसलाइबल है ना वो भी उन्हें अपनी रिपोर्ट में वहां देना बनता है ठीक है अब अगर ये तो हो गए टैक्स ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ना कि भाई फॉर्म फॉर्म थ्री सी डी में, में, में जो पैरा थर्टी फोर बी में टीडीएस वाली जो चीजें थी वह रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो पैरा ट्वेंटी वन में जो उन्हें खर्चे की डिस्टर्बेंस वाली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्म थ्री सी ए में जो उन्हें बोथ व्यूज रिफ्लेक्ट करने थे वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टैक्स ऑडिटर की है अब अगर इनको नहीं कंप्लाई विद किया तो क्या होगा तो फ्रेंड्स चार्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के सेकंड से शेड्यूल में जो पार्ट वन के क्लॉज सेवन में फ्रेंड्स उनके पार्ट पर आ, हम कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के वो गिल्टी ट्रीट किए जा सकेंगे है ना अपने ड्यू डिलीजेंस की नॉन एक्सरसाइजिंग के वो गिल्टी यहां ट्रीट किए जा सकेंगे राइट यही सारी चीजें फ्रेंड्स आपको वहां आंसर में प्रोवाइड करनी है आप देखोगे आपको सोल्यूशन में इसी तरह की जो चीजें हैं वो वहां नजर भी आएंगे तो फ्रेंड जो मैंने अभी क्लॉज थर्टी फोर माय डियर फ्रेंड्स यस हमने पैरा टर्म यूज कर ली थी बाई मिस्टेक एक्चुअली क्लॉज थर्टी फोर हाँ फॉर्म थ्री सी डी में तो क्लॉज ही होते हैं आप देखते हैं मेरा वाइंड कहीं और था उस टाइम पर एक्चुअली तो यहाँ पर क्लॉज थर्टी फोर हम कह सकते हैं जहाँ पर टी डी एस जहाँ टैक्स ऑर्डर को टी डी एस टी सी एस के बारे में बताना होता है कि क्या डिडक्टेबल कलेक्टेबल अगर है है तो फिर मैंशन डिटेल्स उन्हें बतानी देनी होती हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उन्हें फॉर्म थ्री सी ए में पैरा थ्री में जो बोथ ओपिनियन है वो रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी है ठीक है फ्रेंड्स जो आईसीए गाइडेंस नोट इशू किया है उसमें भी उन्होंने इस तरह की चीजों का जिक्र किया है फिर क्लॉज ट्वेंटी में

वन फिफ्टीन बी ए का जो स्कोप है वो यहां पर खत्म है है ना? अच्छा, के लिए आप क्या करेंगे आपको जो भी ये ट्वेंटी टू लैक्स टू का जो अमाउंट यहाँ नेट प्रॉफिट का गिवन है एडिशनल इसमें 115 में मिलता भी नहीं है है ना आ, तो सीधा यहां पर आप वन फिफ्टीन डबल बी ए का जो वन फिफ्टीन बी डबल का जो रेट है 22% से आपको टैक्स पता लगेगा 10% परसेंट सरचार्ज कंफर्म लगता ही लगता है तो इससे आपको टैक्स प्लस सरचार्ज आ जाएगा और इसका 4% से इसमें और एड कर देंगे तो ये 115 बीडब्ल्यूए की लायबिलिटी आ गई इधर आप नॉर्मल प्रोविजंस में क्या करने वाले हैं जो 22 लाख का ये जो अमाउंट है इसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन 12 लाख का फ्रेंड्स ट्वेंटी परसेंट है ना ट्वेल्व लैक्स का ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स निकाल दो और फोर परसेंट क्योंकि सर लगेगा नहीं नॉर्मल प्रोविजन में जिन दोनों में जो भी लोअर होगा वो हम एस डी लिमिटेड के लिए कहेंगे मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में ये टैक्स लाइब्रेरी इनकी निकल कर आ गई है आप देखिए तो सबसे पहले रेगुलर प्रोविजन मेंसेंट टैक्स फोर परसेंट आ गया और वन फिफ्टी बी डबल ए में एडिशनल डेपिशन मिलना नहीं था इसी पर सीधा ट्वेंटी

दिया गया था जुलाई 21 में आपको माय डियर फ्रेंड्स देखिए फॉरेन टेक्सिंग चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको यहां दिया गया स्ट्रॉबेरी लिमिटेड नॉन रेजिडेंट जर्मन कंपनी हैज़ फॉलोइंग इनकम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड थर्टी मार्च टू ओके रिक्वायर्ड कैलेबल था विद ब्रीफ रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एवरी इनकम यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड फॉर द सस्पेंडेड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो आपको इस फॉरेन कंपनी की इस जर्मन कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है चलिए डिविडेंड इनकम ऑफ़ ट्वेल्व लैक्स फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम एक्स वाई लिमिटेड इन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंज फ्रेंड्स याद कीजिए अगर एक फॉरन कंपनी अदर नॉन प्रेसिडेंट को डिविडेंड इनकम अगर हुई है तो वन फिफ्टीन ए में

नो हाउ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग मार्च 31 एवरी ईयर तो पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 लाख रुपीस एक टेक्निकल सर्विसेज की फीस इन्हें मिलनी होगी वो इंडियन कंपनी पेयर ने डिवेंचर्स के फॉर्म में इनको रिलीज कर दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 20 लाख रुपीस ओरिजिनली क्या है हम कहेंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है पक्की बात है टेक्निकल नोआउ प्रोवाइड करने के लिए अमाउंट हमारी असासी फॉरन कंपनी को मिलना था तो ये डिवेंचर्स के फॉर्म में उनको मिल गया है लेकिन है तो ओरिजिनली ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का अमाउंट तो सर इस पर तो वन ए लगा देंगे

केस में हम क्या कहेंगे ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम है इस पर नॉर्मल रेट फॉरेन कंपनी का जो 40 परसेंट है उससे जो टैक्स है वो लगाया जाएगा लेकिन ये 20 लेक्स के डिवेंचर्स मिले हैं 8 परसेंट इस पर इंटरेस्ट भी आएगा सिक्स मंथ्स का क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर को रिलीज हुआ ना यस तो फ्रेंड्स एटी थाउजेंड रुपीज का जो इंटरेस्ट है इस पर तो वन फिफ्टी ने लगना नहीं क्योंकि ये तो फॉरेन करेंसी में बोरोड मनी पर इंटरेस्ट मिला नहीं इस पर तो नॉर्मली फोर्टी परसेंट से जो टैक्स है वो लगाया जाएगा देन डिविडेंड ऑफ रुपीज फाइव लैक्स फिफ्टी थाउजेंड ऑन जीडीआर

है तो वन फिफ्टीन ए में ट्वेंटी परसेंट से जो में ये जो रॉयल्टी ये टैक्स के लिए चार्जेबल है तो इन नॉर्मल टैक्स रेट और डीटी डबल डी डी रेट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दस जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो क्या बेनिफिशियल है फिफ्टीन ए का रेट ज्यादा बेनिफिशियल है तो वही वर्क करेगा यस yes, फ्रेंड्स इसको हम 20 परसेंट से सिंपली टैक्स कर देंगे बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया हमें इनकी टैक्स निकालनी है तो जो भी रेट्स हमने डिस्कस किए ना उन्हीं को इफेक्ट दे देंगे तो यहां देखिए सबसे पहले इनकी जो मुंबई में जो बिजनेस इनकम इनको हुई है अदर में इनकी जो डिविडेंड इनकम आ गई है जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डिविडेंड की इनकम रॉयल्टी इनकम मेनली हमें टैक्स निकालना है तो डिविडेंड इनकम जो सबसे पहले गिवन थी उस पर हमने सबसे पहले ट्वेंटी की बात की जीडीआर के डिविडेंड पर टेन जो सीजी तो के अप्रूव्ड एग्रीमेंट के प्रोसेंस में रॉयल्टी इनकम हुई थी लास्ट पॉइंट उस पर 20 परसेंट लेकिन जो सीजी के द्वारा अप्रूव्ड एग्रीमेंट के प्रोसेंस में फीस की इनकम नहीं हुई है उस पर नॉर्मल रेट है ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर नॉर्मल रेट बिजनेस इनकम पर नॉर्मल रेट और जो टैक्स आया उसका फोर परसेंट कहेंगे स्ट्रॉबेरी लिमिटेड की फाइनल टैक्स लाइबिलिटी यहां पर कहलाएगी ठीक है तो ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू जुलाई 21 क्वेश्चन जुलाई 21 का जो क्वेश्चन है वो मिलता जुलता क्वेश्चन है वही सारे आइटम्स गिवन है बस जुलाई 21 के क्वेश्चन में हमें फ्रेंड्स दो जगह पर रिसीव्ड टर्म देखने को मिल गई थी तो वहां हमें दो जगह पर जो ग्रॉसिंग uh, अप का इफेक्ट है वो देना पड़ा था बाकी जो आइटम्स हैं वो यहां पर सेम टू सेम हमें ये प्रोवाइड किए गए हैं ओके तो ये देखिए वहां हमें दो जगह पर माय डियर फ्रेंड्स रिसीव्ड टर्म देखने को मिली थी तो दो जगह पर हमें वहां पर ग्रॉसिंग अप को इफेक्ट देना पड़ा था ओके okay, बस इतना सा फर्क था तो एम में थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है ग्रॉसिंग अप का इफेक्ट आपकी एडिक ना हो इसके लिए ठीक है तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन एम में दिए गए थे वो तो इन टोटलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किए ही उनसे और

तो स्ट्रिक्टी एडवाइजेबल है कि आप प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज जिसको मैंने फोर मैथन्स में भी स्प्रेड कर स्प्लिट कर रखा है आप प्रैक्टिस मैर्थन्स की सीरीज कहें या प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज कहें आप उसमें जो डिस्कशन हमने किया है क्वेश्चन का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है मास्टर क्वेश्चन हैं आप उस उन क्वेश्चन को जिस हद तक जितना भी देख सकते हैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा मैं उस सीरीज़ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ उसमें जो नोट्स हमने यूज़ किए हैं, उस सिंगल पीडीएफ का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ आप उस सीरीज़ को भी कोशिश करें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ही सही प्लेबैक स्पीड थोड़ी इंक्रीज करके ही सही उसको देखने की उससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आएगा ठीक है और एम टीबी वन पर तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं हाँ चलो मैं एम टीबी वन का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं ठीक है तो आप एम टी वन के सेशन को भी एंजॉय कर सकेंगे ठीक है तो चलिए इस सेशन का हमारा जो मेन एजेंडा था वो तो फ्रेंड्स इस एम टी को डिस्कस करने का था वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसी कुछ रेलिवेंट चीजों के साथ में मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगा तब तक के लिए गुड बाय टू यू Take care. Thank you.